नमस्कार नमस्कार। सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की ओर से मैं हिलाल अहमद आपका इस विशेष परिचर्चा में स्वागत करता हूँ। ये परिचर्चा आयोजित करने का हमारा मकसद बुनियादी तौर पर यही था कि अभी हाल ही में प्यू रिसर्च, जो कि विश्व के अग्रणीय शोध संस्थानों में से है, उनका एक सर्वे आया, सर्वेक्षण, जो कि भारत में धर्म और धार्मिकता के सवालों से जूझता है। मैं इस सर्वेक्षण का काफी हद तक एक भागीदार भी रहा हूं। और ऐसा ही एक सर्वेक्षण CSDS के लोकनीति कार्यक्रम ने 2016-17 में भी किया था। हम लोगों ने वो सर्वेक्षण की कुछ फाइंडिंग्स अलग अलग जगह पर इस्तेमाल की, लेकिन सर्वेक्षण की पूरी रिपोर्ट हमने पब्लिक नहीं की थी, उसको प्रकाशित नहीं किया। दिलचस्प बात यह है कि जो हमारी फाइंडिंग्स थी, जो निष्कर्ष हमने निकाले थे, लगभग वैसे ही निष्कर्ष प्यू रिसर्च में भी निकल कर आए और कई मायनों में काफी चुकाने वाले और काफी ऐसे निष्कर्ष जिनको कि हम काफी समय से जानते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि हम बड़े गौरव से कहते हैं कि भारत एक धार्मिक देश है, तो क्यों ना इस विषय पर बात रखी जाए कि वास्तव में जो आज का धर्म है, क्या उसको उसी चश्मे से देखा जाना चाहिए जिस चश्मे से 5000 साल की सभ्यता वाली बात कही जाती है, या कुछ नया भी है। और दूसरा सवाल हमारे सामने ये था कि क्या सर्वेक्षण की पद्धति या सर्वे रिसर्च के जरिए हम ये धर्म जैसी फिलोसॉफिकल, दार्शनिक और आध्यात्मिक विषय वस्तु को समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। तो इस विषय पर बात करने के लिए एक खास पैनल का आयोजन हमने किया आज। और इस विषय पर बात रखने के लिए हमारे साथ हैं नेहा सहगल, जो कि एसोसिएट है, एसोसिएट डायरेक्टर है प्यू रिसर्च में, और इस सर्वेक्षण की जो टीम थी उसकी कहीं हद तक अध्यक्षता भी है। हमारे साथ रुक्मणि एस हैं, मशहूर डेटा पत्रकार हैं, आंकड़ों के खेल को खेलना जानते हैं और आंकड़ों की समझ भी हम सबसे ज्यादा है, तो वो धर्म और धार्मिकता के विषय पर प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ हैं संदीप शास्त्री। संदीप शास्त्री किसी भी तरह के परिचय का मोहताज नहीं है, प्रोफेसर हैं राजनीति शास्त्र के और हाल में जागरण लेक्स सिटी यूनिवर्सिटी जो भोपाल में है उसके उपकुलपति यानी वाइस चांसलर। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे लोकनीति नेटवर्क के आधार स्तंभ भी संदीप भाई हैं, जिसको कि हम सभी जानते हैं। और हमारी इस परिचर्चा में विशेष रूप से आमंत्रित हैं मेरे सहयोगी संजय जी, संजय कुमार, प्रोफेसर संजय कुमार, जो CSDS का शायद सबसे पहचाना चेहरा है, जो कि भारतीय राजनीति को सर्वेक्षण पद्धति से देखने के ऊपर अपने आप में एक अथॉरिटी है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इस बातचीत को थोड़ा सा फॉर्मल, थोड़ा सा इनफॉर्मल, थोड़ा औपचारिक, थोड़ा अनौपचारिक बनाया जाए और ये समझने की कोशिश की जाए कि भारत का वर्तमान धर्म क्या है। दो बातें और करके फिर मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। पहली बात ये कि जब हम ये परिचर्चा को सोच रहे थे कि कैसे आयोजित करना चाहिए, तो एक सवाल उठा कि आखिर क्यों इसको हम हिंदी में ही करें। तो उसके तीन छोटे छोटे जवाब मुझे लगता है कि वो है। पहली बात तो ये कि इस पूरे प्रोजेक्ट में यू के भाषा का सवाल एक अहम सवाल रहा है। नेहा इस विषय पर और हमसे ज्यादा जानती हैं, बताएंगी कि हम शुरू से ही इस विषय पर सजग थे कि जिन लोगों से हम बात करने वाले हैं वो भारतीय भाषाएं बोलते हैं, वो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो उनसे किस तरह से इन सवालों को पूछा जाए। तो पहला कारण तो ये है कि सवाल जिस भाषा में पूछे गए हैं, सोचे गए हैं, चर्चा भी उसी भाषा में हो और उसको उसी तरह से हम व्याख्यित करने की कोशिश करें। दूसरा कारण ये था कि जो सर्वेक्षण में बड़ी एक रुचिकर बात आई है और वो ये है कि हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में उभरी। एक बहुत बड़ी तादाद हमारे रेस्पोंडेंट्स की सर्वे में वो ये कहती है कि राष्ट्रीय पहचान के रूप में हिंदी का अपना स्थान है। तो क्या राष्ट्रीयता और हिंदी की बात, जो नॉर्थ साउथ डिवाइड या उत्तर भारत के विवाद के तौर पर बहुत समय तक स्थापित रही है, क्या वो खत्म हो गई है?
इसलिए इस बात को हिंदी में करना जरूरी था। और तीसरी बात ये थी कि CSDS का जो लोकनीति कार्यक्रम है और CSDS इन जर्नल का भारतीय भाषा कार्यक्रम है, दोनों जो है वो भाषा के सवाल पर सजग रहे हैं, और हमारा ये प्रयास था कि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचे, इसलिए जरूरी है कि इस बातचीत को हिंदी में किया जाए। तो ये कुछ स्पष्टीकरण मुझे लगा कि देने जरूरी होंगे शुरुआत में। एक अभी जो भी हमारे देखने सुनने वाले दोस्त हैं उनसे एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरी एक इल्तिजा है कि आप अपने सवाल जवाब जो है वो Q&A में भेजें और हम उनको फिर जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ेगी तो उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। बातचीत की शुरुआत एक वीडियो से होगी, फिर मैं आमंत्रित करूंगा नेहा को कि वो मुख्य जो भी हमारे निष्कर्ष हैं उनको हमारे सामने रखें, फिर प्रोफेसर संदीप शास्त्री पर प्रकाश डालेंगे, रुक्मणी उसके बाद बोलेंगी और फिर प्रोफेसर संजय कुमार बोलेंगे। संजय जी को किसी मेडिकल इमरजेंसी के तहत जाना है तो वो हमारे साथ केवल 7 बजे तक रहेंगे, तो इसलिए मैं सभी से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने जो भी सवाल हों जो संजय जी की कही गई बात से संबंधित हों पहले पूछ लें ताकि हम उनको 7 बजे जाने। तो इसी इन्हीं कुछ स्पष्टीकरणों के साथ, इसी प्रस्तावना के साथ मैं यहाँ अपनी बात को खत्म करता हूँ, और अब मैं अपने मित्र अयोध्या से आग्रह करूंगा कि एक जो वीडियो है आखिर ये जो पद्धति थी किस तरह से ये सर्वे हुआ उस पर प्रकाश डालने वाला एक वीडियो जो प्यू रिसर्च ने बनाया है वो हमें दिखाएं ताकि हम इस परिचर्चा को शुरू करें। अयोध्या वीडियो दिखाएं। शुक्रिया। प्यू रिसर्च सेंटर में हम पूरे भारत में धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के साथ साथ विविधता का अध्ययन करना चाहते थे। हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि हम 6 प्रमुख धर्मों हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन को कवर करें। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए अंततः हमने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाहर प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा एकल देश अध्ययन तैयार कर डाला। सर्वे प्रश्नावली विकसित करने से लेकर क्षेत्र कार्य करने तक और फिर अंत में विश्लेषण और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया तक हमें इस परियोजना को पूरा करने में 3 साल लगे, और दरअसल हमने देश भर में लगभग 30,000 वयस्कों का सर्वे किया। इसका मतलब है कि हम 29 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गए और पूरे भारत में 17 अलग अलग भाषाओं में सर्वे किया। हमें इतने सारे साक्षात्कार इसलिए करने पड़े क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है, और हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि हमें 6 प्रमुख धार्मिक समूहों का प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन साथ ही हम एक संभाव्यता आधारित डिजाइन को बनाए रखने चाहते थे जहां किसी भी योग्य वयस्क को हमारे सर्वे में शामिल होने का मौका मिले। और जैसा कि हम जानते हैं कुछ धार्मिक समूहों की आबादी बहुत कम है, तो सबसे अच्छा उदाहरण है जैन जो भारत में कुल जनसंख्या का 1% से भी कम है। एक सामान्य सर्वे में हमें जैनियों के बहुत कम साक्षात्कार मिलेंगे, इसलिए हमने एक खास डिजाइन पेश किया जहां हमें देश के उन क्षेत्रों का चयन करने की अधिक संभावना थी जहां ये अल्पसंख्यक समूह रहने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए इस अध्ययन में हमारे पास जैनियों के पर्याप्त साक्षात्कार हैं ताकि वे विभिन्न विषयों पर अपनी राय व्यक्त कर सकें। हमने अपनी स्थानीय फील्ड टीम की मदद से भारतीयों को अपने सर्वे में भाग लेने के लिए कहा, इसलिए क्षेत्र के स्थानीय नेताओं से मंजूरी लेने के लिए चयनित जनगणना ब्लॉक और गांव में जाने के लिए हमारे पास सबसे पहले भारतीय फील्ड टीम थी। फिर एक बार जब उन्हें मंजूरी मिल जाती तो वे साक्षात्कार के लिए यथरिच रूप से घरों का चयन करते हुए घर घर जाते। घरों के भीतर उन्होंने वहां रहने वाले सभी वयस्कों की सूची बनाई और हमारे सर्वे में भाग लेने के लिए किसी एक को यथरिच रूप से चुना। साक्षात्कारों को प्रशिक्षित करने में सक्षम होने के लिए हमने देश में अपने स्थानीय भागीदारों के साथ भी काम किया। साक्षात्कारताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था कि उन्होंने उत्तरदाताओं को सही ढंग से सूचित किया कि उनके उत्तर गोपनीय है और उनकी भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक है। ऐसा करने पर जितने परिवारों को हमने सर्वे में भाग लेने के लिए संपर्क किया उनमें से 90% परिवारों ने सर्वे में भाग लिया। स्पष्ट तौर पर ऊंची दर यह दर्शाती है कि भारतीय उत्तरदाता अपनी राय साझा करने में उत्साहित थे, और यह भी कि हमारी फील्ड टीम ने सर्वे करने में सक्षम होने के लिए कितनी मेहनत की। अपने फील्ड वर्क के समय हमें कुछ पहुंच और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ा, खासकर कश्मीर घाटी में। इसलिए हमें उन 480 साक्षात्कारों को रद्द करना पड़ा जिनकी हम वहां आयोजित होने की उम्मीद कर रहे थे।
इसके बजाय हमने उन साक्षात्कारों को देश भर के अन्य मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पुनः आवंटित किया। जम्मू, हरियाणा और पश्चिम बंगाल राज्यों सहित। हमारे फील्ड वर्क के खत्म होने से ठीक पहले वैश्विक महामारी शुरू हुई और भारत में COVID-19 का उदय हुआ। हमारी फील्ड टीम के लिए सुरक्षा खतरे और पूरे भारत में उत्तरदाताओं के लिए हमारी चिंताओं को देखते हुए हमने अपने साक्षात्कारों को रोक दिया जब केवल 1% साक्षात्कार बचे थे। तो इसका मतलब था कि हमने सिक्किम और मणिपुर में काम पूरी तरह बंद कर दिया। 30,000 भारतीयों का ये सर्वेक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा एकल देश सर्वे है। इसके साथ ही हम 6 प्रमुख धार्मिक समूहों के बारे में बात करने में सक्षम हैं। और यदि आप ज्यादा जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखेंगे तो हमें खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अयोध्या इस वीडियो के लिए। इसमें जैसा कि हम देख पा रहे थे कि कुछ वर्तनी की या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उनको कैसे सुधारना बाकी है, लेकिन मूल बात मुझे लगता है कि यहाँ तक पहुँच गई। अब मैं आमंत्रित करूँगा डॉक्टर नेहा सहगल को कि वो प्यू रिसर्च से संबंधित जो निष्कर्ष और आंकड़े हैं उनको प्रस्तुत करें। शुक्रिया हिलाल। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल का और बहुत बहुत शुक्रिया CSDS का। हम CSDS के बहुत आभारी हैं दो रीज़न के लिए। एक तो आपका काम हम बहुत करीब से फॉलो करते हैं और आपके काम से बहुत इंस्पायर्ड हैं, सो इसके लिए शुक्रिया। और दूसरी चीज़ कि आपने हमें हिलाल अहमद का टाइम दिया। हिलाल अहमद एक बेहतरीन रिसर्चर है और जितने बेहतरीन रिसर्चर हैं उतने बेहतरीन इंसान भी हैं, तो दोनों के लिए बहुत 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 शुक्रिया। प्यू रिसर्च सेंटर के इतिहास में ये सबसे पहला इंग्लिश लैंग्वेज प्रेजेंटेशन है, इसलिए कोई भी भूल चूक के लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ। ज़्यादातर हम प्रेजेंटेशन रिजल्ट्स का इंग्लिश में करते हैं क्योंकि ये इत्तेफाक की बात है कि मेरी परवरिश हिंदुस्तान में हुई, इसलिए हमने इस चीज़ का एडवांटेज लिया है। सो सबसे पहले मैं प्यू रिसर्च सेंटर के बारे में आपको थोड़ा बता दूँ। हम एक शोध संस्था हैं और हम कई मुद्दों पे काम करते हैं, धर्म उसमें से एक है, पॉलिटिक्स वगैरह, लेकिन हम जिन मुद्दों पे काम करते हैं उस पर अपनी राय कभी भी नहीं बताते। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं करते या ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का असमर्थन करते हैं। हम किसी भी इशू पे एडवोकेसी काम नहीं करते हैं। हमारा काम है पब्लिक ओपिनियन लेना और पब्लिक ओपिनियन समझाना, अपनी ओपिनियन ना देना। हमारी फंडिंग आती है प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट से और जब हम धर्म के विषय पे काम करते हैं तो जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन से भी फंडिंग हम लेते हैं। और धर्म पे हम इसलिए काम करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि समाज, किसी भी समाज को समझने के लिए उसके धर्म को समझना जरूरी है। धर्म लोगों की जिंदगी में एक बहुत मुख्य हिस्सा है और अगर हम ऐसी भी कंट्रीज में जाएं जहां बहुत कम लोग धार्मिक हैं जैसे कि वेस्टर्न यूरोप, हमें फिर भी वहां पता चलता है कि धर्म एक आइडेंटिटी है और समाज से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। तो इसलिए हम धर्म काफी करीब से पढ़ते हैं और अपनी रिसर्च में पढ़ते हैं। सो रिलीजन इन इंडिया सर्वे के बारे में तो आपने वीडियो ऑलरेडी देख लिया है, तो मैं इस विषय पे ज्यादा बात नहीं करूंगी, बट सिर्फ एक चीज स्टार्ट करूंगी कि यहाँ इसमें जो हमने इंटरव्यू किए वो 45 मिनट्स तक चले ऑन एवरेज। तो आज मैं सिर्फ थोड़ी हाइलाइट्स आपको दूंगी, पर इसके अलावा और भी बहुत कुछ है रिपोर्ट में। और अगर आप और जानना चाहें और अगर आपको रात में सोने में तकलीफ आ रही है तब मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी कि आप 200 पेज से ऊपर की रिपोर्ट करीब से पढ़ें। सो क्योंकि इस सर्वे का सैंपल साइज काफी बड़ा है, नियरली 30,000, इस वजह से हम 6 जो प्रमुख धार्मिक समूह हैं इंडिया में, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और जैन, हम इनके विचारों के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये कि जो बाकी धार्मिक समूह हैं जैसे पारसी या यहूदी, ये भी इंक्लूडेड है टोटल में, बट क्योंकि हमारे पास इन समूहों के साथ कम इंटरव्यू है इसलिए हम उनके जो उनके व्यूज है उसके बारे में अलग से बात नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 6 धार्मिक समूहों के व्यूज के बारे में हम अलग अलग से बात कर सकते हैं। सो क्या कहानी है धर्म की भारत में? डेटा हमको ये बताता है कि भारत में दो चीजें साथ साथ हो रही है। एक, भारतीय लोग टॉलरेंस के बारे में बहुत कमिटमेंट व्यक्त करते हैं। दे आर क्वाइट एक्साइटेड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉलरेंस एंड दे शो लॉट ऑफ कमिटमेंट टू इट।
साथ ही साथ भारत के जो धार्मिक समूह है वो अलग अलग रहना चाहते हैं. सो डिजायर फॉर रिलीजियस सेग्रीगेशन को एग्जिस्ट विद कमिटमेंट टू टॉलरेंस. तो ये दोनों साथ कैसे हो सकते हैं? तो हमें डेटा ये बताता है कि भारतीयों का जो कॉन्सेप्ट है प्लूरलिज्म का वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है. वो साथ रहते हैं लेकिन अलग अलग साथ रहते हैं. तो एक तरह से सोचा जाए तो भारतीय सोसाइटी एक पैचवर्क फैब्रिक है, क्योंकि धार्मिक समूहों के बीच में एक स्पष्ट सीमा है और वो सीमा पार नहीं होती है. लेकिन फिर भी सारे धार्मिक समूह के लोग कहते हैं कि हमें टॉलरेंस में बहुत कमिटमेंट है. बट साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि जो भारत में जो रिलीजियस सेग्रीगेशन है, जो अलग अलग रहने की भावना है, वो बहुत करीब से जुड़ी हुई है पॉलिटिक्स के मामले में. और जो भारत की नेशनल आइडेंटिटी उस पर जो चर्चा हो रही है, उस मुद्दे पे जो डिबेट्स हो रही है, सेग्रीगेशन उन डिबेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और कहाँ हमें ये फॉल्ट लाइन्स पता चलती है, बाकी सच्चा भारतीय कौन है और किसके लिए वोट देना है वगैरह, ये सब जो कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दे हैं इस पे सेग्रीगेशन करीब से जुड़ा हुआ है. सो मैं एक एक विषय पे थोड़ा आपको डेटा समझाऊंगी और बताऊंगी कि हमें क्या पता चला है सर्वे से. सो सबसे पहले टॉलरेंस के बारे में चर्चा करते हैं और शेयर्ड वैल्यूज के बारे में चर्चा करते हैं. हमें पता चलता है कि भारतीय लोग आमतौर पे अपने समाज को बहुत स्वतंत्र मानते हैं. वो कहते हैं कि हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपना धर्म, अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने के लिए. ये ना केवल सच है भारत की हिंदू कम्युनिटी में, बट बाकी लोगों में भी, मुसलमानों, क्रिश्चियंस वगैरह में हमें पता चलता है कि वो कहते हैं कि बिल्कुल स्वतंत्र है वो अपने धर्म, अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने के लिए. और यही नहीं, हमें ये भी पता चलता है कि टॉलरेंस एक मूल्य है जो कि एक नेशनल वैल्यू है, एक सामाजिक मूल्य है और एक धार्मिक मूल्य भी है. लोग हमें ये भी बताते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करना एक सच्चा भारतीय होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. और ये भी बताते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करना एक हिंदू होने का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है या एक मुसलमान होने का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. तो टॉलरेंस एक नेशनल वैल्यू भी है और एक रिलीजियस वैल्यू भी है. और उसके साथ साथ कुछ भारत की कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं जो जो धार्मिक रेखाओं से परे हैं. सो कर्म एक अच्छा एग्जाम्पल है. कर्म की बिलीफ जो है वो हिंदुओं में तो है ही, बट उतने ही मुसलमान कहते हैं कि हमें कर्म में विश्वास है. और चलिए आप कहें कि कर्म तो चलिए एक एशियन बिलीफ है, तो पॉप कल्चर भी बन गई है, कई तो अमेरिकन भी कहते हैं कि वो कर्म में विश्वास करते हैं. पर अगर आप ये भी पूछें कि क्या गंगा नदी में शुद्ध करने की शक्ति है, तो हिंदुओं का तो ये मानना है ही, पर उसके साथ साथ क्रिश्चियंस में देखें तो 30% से ऊपर क्रिश्चियंस भी यही मानते हैं और मुसलमानों में भी 26% कहते हैं कि गंगा नदी में शुद्ध करने की ताकत है. तो ये मान्यताएं जो है भारत में ये धार्मिक सीमाओं से परे हैं. पर हमें ये भी पता चलता है कि हिंदुस्तानी लोग कुछ धार्मिक मान्यताओं को साथ मानते हैं और कई मूल्यों को सजा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरे के बीच में बहुत विभिन्नताएं देखते हैं. वो अपने अपने आप को एक दूसरे से बहुत फर्क देखते हैं. तो जब हम हिंदुओं से पूछते हैं कि क्या आप में और हिंदुस्तान के मुसलमानों के बीच में बहुत विभिन्नताएं हैं या बहुत कुछ सजा है, तो हम देखते हैं कि हिंदुओं को लगता है कि वो मुसलमानों से बहुत अलग है. 66% हिंदू कहते हैं कि उनमें और भारत के मुसलमानों के बीच बहुत विभिन्नताएं हैं, और कम लोग कहते हैं कि बहुत कुछ सजा है. और हिंदू ऐसा भी मानते हैं कि उनमें वो क्रिश्चियन से भी बहुत अलग है, सिख, बुद्धिस्ट, जैन सबसे अलग है. और मुसलमान भी यही फील करते हैं. 64% मुसलमान कहते हैं कि उनमें और भारत के हिंदुओं के बीच बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, और कम कहते लोग कहते हैं कि बहुत कुछ सजा है. और बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज का भी यही मानना है. ओवरऑल हमें ये पता चलता है कि भारत में रिलीजियस कम्युनिटीज अब एक दूसरे को अपने से बहुत अलग देखते हैं. कुछ अपवाद है, जैसे जेएनयू में ज्यादातर लोग कहते हैं कि हिंदूज के साथ उनकी कई सिमिलैरिटीज है, बहुत कुछ सजा है. लेकिन ज्यादातर ये पता चलता है कि लोग विभिन्नताएं ज्यादा देखते हैं और सिमिलैरिटीज कम देखते हैं. पर ये जो भावना है कि हम बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज से बहुत फर्क है, ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है. हमें ये भी पता चलता है कि भारत एक रिलीजियसली सेग्रीगेटेड सोसाइटी है. जिस तरह लोग अपनी लाइफ डेली बेसिस पे लिव करते हैं, वो एक स्पष्ट सीमा के साथ रहते हैं, बाकी रिलीजियस कम्युनिटी से अलग रहते हैं. तो
जब हम पूछते हैं लोगों से इंटर रिलीजियस मैरिज के बारे में तो ये सीमाएं बिल्कुल क्लियर हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि लड़के लड़कियों को और धर्मों में शादी करने से रोकना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा हिंदू लोग समझते हैं, 67% हिंदू कहते हैं कि हिंदू लड़कियों को किसी दूसरे धर्म में शादी करने से रोकना बहुत महत्वपूर्ण है, पर मुसलमानों में भी यही फीलिंग पाई जाती है और भी बड़े आंकड़े में पाई जाती है। 80% मुसलमान भी यही कहते हैं कि मुसलमान लड़कियों को दूसरे धर्मों में शादी करने से रोकना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो ये भारत में काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इंटर रिलीजियस मैरिज को रोकना चाहिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और यही नहीं, लोग ये भी कहते हैं कि उनके जो दोस्त हैं, उनके जो करीबी दोस्त हैं, वो ज्यादातर उन्हीं के धर्म से हैं। सो हिंदुओं में ज्यादातर लोग ये कहते हैं या तो उनके सारे दोस्त हिंदू हैं या ज्यादातर उनके दोस्त हिंदू हैं। बट जो छोटे छोटे धार्मिक समूह हैं जैसे जैन, बुद्धिस्ट, सिख वगैरह, उनमें भी यही भावना पाई जाती है कि वो कहते हैं उनका उनके जो करीब के दोस्त हैं वो ज्यादातर जैन हैं, ज्यादातर मुसलमान, ज्यादातर बुद्धिस्ट हैं या सिख हैं। तो लोग वही सीमा पार नहीं करते, अपने दोस्त बनाने में भी वही सीमा में रहते हैं। तो ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कहते कि उनके जो आस पड़ोस हैं उसमें उन्हीं के धर्म के लोग रहे, ऐसी भावना हमें नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे भी हैं जो रिलीजियसली सेग्रीगेटेड पड़ोसी ऐसे नेबरहुड में रहना चाहेंगे जहाँ पे सिर्फ उन्हीं के धर्म के लोग रहे। सो हिंदुओं में जैसे 36% लोग कहते हैं कि वो किसी मुसलमान को अपने पड़ोस में स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे, और 30% लोग हिंदू ये भी कहते हैं कि वो किसी क्रिश्चियन को अपने अपने पड़ोस में स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे, और कुछ लोग सिख, बुद्धिस्ट और जैन को भी नहीं चाहेंगे। और मुस्लिम्स में भी करीब उतने ही लोग कहते हैं जैसे कि हिंदू कहते हैं कि वो किसी सिख, बुद्धिस्ट या जैन को अपने पड़ोस में नहीं चाहेंगे। और बाकी धार्मिक कम्युनिटीज में भी यही फीलिंग है। जैन्स में आप देखें तो मेजोरिटी कहती है कि हम किसी मुसलमान को अपने पड़ोसी के अपने पड़ोस में स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे, और कुछ लोग क्रिश्चियन, सिख वगैरह को भी अपने पड़ोस में नहीं चाहेंगे। सो मेजोरिटी नहीं है ये, लेकिन कई लोग ऐसा फील करते हैं कि वो रिलीजियसली सेग्रीगेटेड नेबरहुड में रहने की प्रेफरेंस को प्रेफर करेंगे। पर ये जो रिलीजियस सेग्रीगेशन है इंडियन सोसाइटी में, इस पे काफी प्रभाव पड़ता है। नेशनल आइडेंटिटी के मुद्दों पर इस सेग्रीगेशन का काफी प्रभाव है और पॉलिटिक्स में भी काफी प्रभाव है। तो अब हम इस पे बात करते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदुओं में हिंदू रिलीजन और सच्चा भारतीय होने का एक बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। ज्यादातर हिंदू ये कहते हैं कि सच्चा भारतीय होने के लिए हिंदू होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 64% हिंदू ये फील करते हैं, और साथ ही साथ एक मेजोरिटी है हिंदुओं की जो कहते हैं कि हिंदी बोलना और सच्चा भारतीय होना ये भी बहुत करीबी से जुड़े हैं। हिंदी बोलना बहुत महत्वपूर्ण है सच्चा भारतीय होने के लिए, और ये दोनों पहलू जो है बहुत करीब से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। जो लोग कहते हैं कि हिंदी बोलना सच्चा भारतीय होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये भी कहते हैं कि हिंदू होना बहुत महत्वपूर्ण है। और आधे हिंदू ऐसे हैं जो दोनों पोजीशंस करते हैं, कहते हैं, वो कहते हैं कि हिंदू होना बहुत महत्वपूर्ण है और हिंदी बोलना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो एटीट्यूड्स है ये काफी हद तक पॉलिटिकल भी है, क्योंकि जब हम भारतीय जनता पार्टी का टोटल वोट शेयर देखते हैं तो आधे हिंदू ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीजेपी को मतदान दिया, पर बीजेपी का जो वोट शेयर है वो काफी चेंज हो जाता है अगर आप नेशनल आइडेंटिटी के एटीट्यूड्स के तरफ से देखें। तो जो लोग कहते हैं कि सच्चा भारतीय होने के लिए हिंदू होना बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें एक मेजोरिटी कहती है हिंदुओं में कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, और बीजेपी का वोट शेयर गिर जाता है अगर आप उन लोगों को देखें जो कहते हैं कि नहीं, कुछ कनेक्शन है लेकिन ज्यादातर नहीं, सम वॉट इम्पोर्टेंट, कि एक हिंदू होना कुछ हद तक महत्वपूर्ण है सच्चा भारतीय होने के लिए, और बीजेपी का वोट शेयर और भी गिर जाता है उन हिंदुओं में जो कहते हैं कि सच्चा भारतीय होने के लिए हिंदू होना महत्वपूर्ण नहीं है। तो इससे पता चलता है कि ये तीन पहलू, पॉलिटिक्स, रिलीजन और भाषा, ये तीनों पहलू एक दूसरे में बिल्कुल इंटरट्वाइंड है भारत में। और 30% हिंदू ऐसे हैं जो तीनों पोजीशंस कहते हैं। वो कहते हैं कि सच्चा भारतीय होने के लिए हिंदू होना बहुत जरूरी है, वो कहते हैं सच्चा भारतीय होने के लिए हिंदी बोलना भी बहुत जरूरी है, और उन्होंने 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया। तो 30% हिंदू
इसमें आते हैं और हमें पता चलता है कि ये जो 30% है इनके एटीट्यूड्स बाकी हिंदुओं से काफी फर्क है, कई कई तरह फर्क है। तो जहाँ रीजनल वेरिएशन काफी है, कहाँ लोकेटेड है ये कंट्री में, साउथ में कम, नॉर्थ में ज्यादा, सेंट्रल में काफी, जिस तरह से ये धर्म अपना पालन करते हैं वो भी फर्क है, ये लोग ज्यादा धर्मनिष्ठ हैं। बट एक जो बहुत कंसिस्टेंट हमें पिक्चर मिलती है वो है इस 30% के एटीट्यूड्स रिलीजियस सेग्रीगेशन के बारे में। और यहाँ मैं वापस आती हूँ जहाँ हमने कहानी शुरू करी कि भारत में रिलीजियस सेग्रीगेशन की स्टोरी क्या है। ये लोग जो जो कहते हैं कि भारतीय, सच्चा भारतीय होने के लिए हिंदू होना बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी बोलना बहुत महत्वपूर्ण है, और वो कहते हैं कि उन्होंने बीजेपी को मतदान दिया, कई तरह से इन लोगों की लाइफ और भी ज्यादा रिलीजियसली सेग्रीगेटेड है। इसमें से 46% कहते हैं कि हम एक मुसलमान को पड़ोसी के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे, और वे ज्यादा संभावना उनकी ये भी कहने की कि वो क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन को अपने पड़ोस में नहीं चाहेंगे। इसमें से ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि उनके सभी करीब के दोस्त हिंदू हैं, और हिंदी हिंदू लड़कियों की इंटर रिलीजियस मैरिज रोकना, ये फीलिंग इस ग्रुप में और भी ज्यादा पता चलती है। 83% ये कहते हैं कि हिंदू लड़कियों को किसी दूसरे धर्म में शादी करने से रोकना बहुत महत्वपूर्ण है। सो ये एक ज्यादा रिलीजियसली सेग्रीगेटेड लाइफ लीड करते हैं। पर भारत की जो माइनॉरिटीज हैं वो क्या कहती है सच्चे भारतीय होने के बारे में। जब हम उनसे पूछते हैं कि एक सच्चा भारतीय होने के लिए क्या हिंदू होना बहुत महत्वपूर्ण है या नहीं या कम महत्वपूर्ण है, तो जेएनयू में भी कुछ हद तक ये फीलिंग पता चलती है। और मुस्लिम्स में 27% कहते हैं कि सच्चा भारतीय होने के लिए एक हिंदू होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब चर्चा करते हैं थोड़ी मुस्लिम एटीट्यूड्स के बारे में इंडिया में। जनरली हमें पता चलता है कि मुस्लिम जो है इंडिया में वो भारतीय संस्कृति के बारे में काफी काफी कमिटेड है, और ये फील करते हैं कि चाहे ही भारतीय लोग परफेक्ट ना हो, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है वो और लोगों से और संस्कृतियों से बेहतर है। सो 85% मुस्लिम्स इस चीज से अग्री करते हैं, और जनरली वो भारतीय संस्कृति के बारे में काफी एक्साइटेड है और काफी सपोर्ट व्यक्त करते हैं। तो कम लोग हैं ऐसे जो इस चीज से डिसएग्री करते हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि ऐसे कम लोग हैं मुसलमानों में जो कहते हैं कि पिछले 12 महीने में उन्होंने धार्मिक अपने धर्म की वजह से भेदभाव का सामना किया है। 1 in 5 मुस्लिम्स या 20% मुस्लिम्स ऐसा कहते हैं कि उन्होंने पिछले 12 महीने में अपने धर्म की वजह से भेदभाव का सामना किया है, लेकिन ये भावना क्षेत्रों के हिसाब से फर्क है। सो नॉर्थ में हम देखते हैं कि उससे डबल 40% मुसलमान ऐसा कहते हैं कि पिछले 12 महीने में उन्होंने भेदभाव का सामना किया है, और नॉर्थ ईस्ट में भी ये संख्या हाई है। एल्सवेयर हमें कम लोग इस तरह के मिलते हैं। तो याद रहे कि जब हमारे फील्ड पीरियड के दौरान मिडिल में CAA प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे नॉर्थ में, तो हो सकता है कि उसका प्रभाव पड़ा हो भेदभाव की फीलिंग में। और जब हम मुसलमानों से और बाकी लोगों से ये पूछते हैं कि क्या मुस्लिम्स को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने घरेलू मामलों के लिए, जैसे इनहेरिटेंस या तलाक वगैरह के जो केसेस हैं, तो अपने फैमिली के जो मामले हैं उनको सुलझाने के लिए क्या मुसलमानों को अधिकार होना चाहिए कि वो अपने धार्मिक अदालतों में जाएं, तो हमें एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग मिलती है, क्योंकि मुस्लिम्स में मेजोरिटी पॉपुलेशन इस चीज को सपोर्ट करती है कि उनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि उनकी अपनी धार्मिक अदालतें हों फैमिली डिस्प्यूट्स के लिए, लेकिन बाकी कम्युनिटीज में ये आंकड़े बहुत उससे काफी कम है। तो ये इश्यू मुस्लिम्स को बाकी कम्युनिटीज से डिवाइड करता है इंडिया में। और फाइनली हिंदू मुस्लिम रिलेशंस इंडिया में, उसके जो ऐतिहासिक तौर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है पार्टीशन। तो हमने इस सर्वे में पार्टीशन के बारे में भी पूछा। हमने पूछा कि क्या भारत का जो बंटवारा हुआ, जो इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वो क्या हिंदू मुस्लिम रिलेशंस के लिए एक अच्छी बात थी या बुरी बात थी। तो मुस्लिम्स में पता चलता है कि ज्यादातर लोग इसको एक बुरी बात समझते हैं सामूहिक रिलेशंस के लिए। आधे मुसलमान कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम रिलेशंस के लिए एक बुरी चीज थी, और कम लोग कहते हैं कि एक अच्छी चीज थी। बट हिंदूज में एटीट्यूड्स फर्क है।
हिंदूज के एटीट्यूड्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड ज्यादा हैं इस मुद्दे पे, और जहां तक कि एक मीनिंग है हिंदू पब्लिक ओपिनियन में, हिंदू जनरली कह रहे हैं कि ये एक अच्छी बात थी हिंदू मुस्लिम रिलेशंस के लिए इंडिया में. पर भारत की जो एक रिलीजियस कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा ये फील करती है कि सामूहिक जो रिलेशंस हैं उनको हार्म हुआ पार्टीशन से, वो है सिख्स. तो 66% सिख्स हमें बताते हैं कि ये जो बंटवारा हुआ उससे हिंदू मुस्लिम रिलेशंस को हानि पहुंची और ये एक बुरी चीज थी. तो ये थी कुछ मैच की हाइलाइट्स, और आप बाकी देखने के लिए मैं आपको इनकरेज करूंगी कि आप pewresearch.org पे जाएं /India survey. कई मुद्दों पे मैं चर्चा नहीं कर पाई, कास्ट और रिलीजियस कन्वर्जन से भी काफी हमारे पास डेटा है और उसके बारे में हमने बताया है. सिख आइडेंटिटी के बारे में भी आप और जान सकते हैं. और सबसे बड़ी चीज मैं ये पॉइंट आउट करूंगी कि हिंदुओं के बीच में जो बहुत बड़े क्षेत्रीय डिफरेंसेस हैं, नॉर्थ और साउथ के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है, उसको भी हमने रिपोर्ट में उसके बारे में ज्यादा चर्चा की है, और हो सकता है Q&A में भी करें. तो इसके लिए मैं इनकरेज करूंगी कि आप Pew Research Center की वेबसाइट में जाएं. शुक्रिया. बहुत-बहुत शुक्रिया निखिल, आपने साबित कर दिया कि जो फाइंडिंग हिंदी के विषय में थी वो गलत नहीं थी. तो यू के इतिहास में अगर ये वाकई में पहला ऐसा वक्तव्य है जो हिंदी में लिखा बोला गया है तो वाकई वो सराहनीय है. मैं अब आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर संदीप शास्त्री. सभी को मेरा नमस्कार. हिलाल भाई, संजय भाई, रुक्मिणी जी, नेहा जी, नेहा जी की जो प्रेजेंटेशन थी उसकी उन्होंने काफी कुछ इस रिपोर्ट का सारांश हमें बताया है, और मैं अपने शीट में टिक करता गया ये बात नहीं कहनी, ये बात नहीं कहनी, क्योंकि कह गई है. और अब 10 मिनट तो बहुत ही आसान है कंप्लीट करने में. मैं प्रारंभ में दो बात कहना चाहता हूँ इस रिपोर्ट, तीन बात कहना चाहता हूँ. पहली बात, इस रिपोर्ट की एक सराहना करना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट ने बहुत ही इफेक्टिव वे में विषय का एक अध्ययन किया है. दूसरी बात, ये संजय जी और हिलाल भाई भी मेरे साथ इसमें शायद मेरी बात मानेंगे कि जो हम लोकनीति में स्टडीज करते आए हैं, वो हमारी नेशनल इलेक्शन स्टडी हो, हमारा रिलीजन का स्टडी हो, हमारा दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की स्थिति की स्टडी हो, इन सभी स्टडीज में जो ये प्यू रिपोर्ट में क्या कहा गया है उसी बात को भी हमने हमारे रिपोर्ट्स में काफी कहे हैं. और तीसरी बात जो थोड़ा एक विवाद का बात हो सकता है, प्यू ने उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत की चर्चा की है. जिस राज्य ने मुझे अभी गोद लिया है, मध्य प्रदेश, उस राज्य का थोड़ा सोचना है कि मध्य भारत के हम गढ़ हैं. लेकिन जब आपने उत्तर प्रदेश को मध्य भारत में जोड़ दिया तो वो स्थान मेरे राज्य को चला गया और किसी और राज्य को चला गया. इसके बारे में अगली बार थोड़ा सोचिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश को भी उत्तर भारत के जगह में मध्य भारत में जोड़ेंगे तो मध्य भारत ज्यादा फिर उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा हो जाएगी. सो वो थोड़ा एक अगली बार जब आप ये स्टडी करेंगे उस बात को थोड़ा अगर आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छा रहेगा. आज मैं सिर्फ तीन बातों के बारे में जिक्र करूंगा जो मुझे लगता है बहुत ही महत्व की बातें हैं इस रिपोर्ट में. पहला, और मैं तीन अलग अलग क्षेत्रों से तीन विषयों को ले रहा हूं. पहली बात, एक जो धर्म की एक चित्र इस रिपोर्ट में एक चित्र जो बनाई गई है, मैं कहता हूं एक तरह से एक दर्पण छवि, इंग्लिश में हम मिरर इमेज जो कहते हैं, एक दर्पण छवि आप देख सकते हैं यहां. कोई एक धर्म के लोग क्या बात कहते हैं वो कोई विशेष बात नहीं है, वही बात दूसरे धर्म के लोग भी अलग अलग धर्मों के बारे में कह रहे हैं. मैं एक ही उदाहरण लेता हूं यहां. अन्य धर्म वाले क्या आपसे अलग हैं? ये प्रश्न जब पूछा गया, आपके जो ब्रॉड डाटा है उसमें मैं नहीं जा रहा हूं. अगर आप देखें किस तरह से
हिंदुओं ने इसके बारे में मुसलमानों और क्रिश्चियंस के बारे में कहा है और मुसलमानों ने किस तरह से हिंदुओं के बारे में कहा है कोई फर्क नहीं दिखता। इस प्रश्न के उत्तर में तीन में से दो भाग मुसलमानों ने कहा कि हाँ हिंदू काफी अलग हैं, और उसके पास ही परसेंटेज 66% 2% का फर्क है, उसी बात को हिंदुओं ने मुसलमानों के बारे में कहा। 10 में से 6 क्रिश्चियंस ने इस बात को हिंदुओं के बारे में कहा, 59% क्रिश्चियंस ने इस बात को हिंदुओं के बारे में कहा। सो आप देखें ये मिरर इमेज एक 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 आप देखेंगे एटीट्यूड्स टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स के बारे में आप अगर बात करें तो। दूसरी बात जो नेहा ने इसके बारे में थोड़ा बात किया था पर उसको मैं थोड़ा और विस्तार से कहूंगा, अन्य धर्म के प्रथाओं के बारे में आप कितना जानते हैं? जब यह प्रश्न पूछा गया इन अ सेंस जो देश में डोमिनेंट पैटर्न आप देखते हैं उस डोमिनेंट पैटर्न की एक चित्र को आप इस रिजल्ट में भी देख सकते हैं। नॉन हिंदूज में आप जब ये प्रश्न आपने पूछा हिंदुइज्म के बारे में आप कितना जानते हैं, वहां आप देखिए आप हमारा रिजल्ट क्या आता है। उधर आधे मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदुइज्म के प्रथाओं के बारे में जानते हैं, 3 में से 2 क्रिश्चियंस ने कहा कि हम हिंदुओं के प्रथाओं के बारे में जानते हैं, और 3 में से 2 सिखों ने कहा कि हम हिंदुओं के प्रथाओं के बारे में जानते हैं। अगर उसका आप उल्टा करें हिंदुओं ने क्या कहा दूसरे धर्मों के प्रथाओं के बारे में, उतना हाई परसेंटेज आपको दिखेगा नहीं। सो इन अ सटल वे द रोल क्या कहते हैं हम एक डोमिनेंट रिलीजन का रोल क्या है वो आप वेरी सटल वे में आप इस सर्वे में आपको दिखता है वो स्पष्ट नजर आती है। नेहा ने इस विषय के बारे में चर्चा की, पड़ोसी किसे आप चाहते हैं किसे आप नहीं चाहते हैं। आप देखिए क्रिश्चियंस में 10 में से 3 ने कहा कि हम किसी और धर्म वालों को नहीं चाहते हैं अपने नेबर पड़ोसी के रूप में। मुसलमानों में अराउंड 36% ने उस बात कही और हिंदुओं में 45% ने उस बात कही। मेरा प्रश्न यहां यह है, क्या ये बात किसी और धर्म के वालों को मेरा नेबर नहीं होना वो बात की एक प्रतीक नहीं है? ये वास्तविक परिस्थिति की प्रतीक है। ये मैं चाहता नहीं हूं प्रश्न नहीं है, जो मैं अपने हर रोज के जीवन में देखता हूं, मेरे ग्राम में देखता हूं, मेरे शहर में देखता हूं, उसका वो नजरिया है। सो इस रिपोर्ट में वो बात कहना कि ये धार्मिक सहिष्णुता के बारे में क्या कहती है उस बात को मैं थोड़ा नहीं मानूंगा। धार्मिक सहिष्णुता अपनी जगह, कौन मेरा पड़ोसी अपनी जगह, क्योंकि मैंने कहा कि मैं और एक धर्म वाले को मैं अपना पड़ोसी नहीं मानना चाहता वो उससे हम ये कंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल होगा कि लोगों में धार्मिक सहिष्णुता नहीं है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी है, नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन और एक्सपेक्टेशन। मैं और दो छोटी बातों की बात करूंगा, मुझे अभी 1.5 मिनट और है उस दो बातों को करने में के लिए। ये लोगों में एक ये एहसास कि क्या हम भेदभाव को एक्सपीरियंस करते हैं या नहीं। अगर आप मुसलमानों को देखें 4 में से 1 कहते हैं कि हम भेदभाव को महसूस करते हैं। ये भी देखिए उत्तर भारत में वो थोड़ा ज्यादा है, 3 में से 1 वो बात कहते हैं,
दक्षिण भारत में 10 में से 3 वो बात कहते हैं। सो एक तरह से आप एक फर्क वहां देखेंगे जिस तरह से लोग इस विषय के बारे में बात कहते हैं। और मेरा बात यही है, वो क्या एक जागरूकता की प्रश्न है या एक ये वास्तविकता की प्रश्न है। आई वुड बिलीव दिस इज मोर एन एक्सप्रेशन ऑफ योर अवेयरनेस रादर देन द रियलिटी। अब मैं अंतिम बात पे आता हूं। हिंदी भाषा बोलना और ये हिंदी भाषा बोलना हिंदी भारतीय पहचान का एक हिस्सा है या नहीं। हिलाल भाई, मैं तो रहा दक्षिण भारत से और काफी बार दक्षिण भारत का एक नागरिक होते हुए जब मैं हिंदी में बात करता हूं, मुझे मालूम है मैं अच्छी हिंदी नहीं बात करता हूं, पर जब मैं हिंदी में बात करता हूं मुझे प्रश्न हमेशा ये पूछा जाता है, संदीप जी आप इतना अच्छा हिंदी कैसे बोल लेते हैं, जैसे कि मैंने कोई गलती की हिंदी अच्छी बात करके। और ये बात हमारी इस सर्वे में स्पष्ट दिखाई देती है। दक्षिण भारत में 4 में से 1 लोग कहते हैं कि हिंदी भाषा बोलना भारतीय पहचान की हिस्सा होना, सिर्फ 4 में से 1 लोग कहते हैं। आप उत्तर भारत को जाइए वो 7 में से 10, 10 में से 7 हो जाता है। आप सेंट्रल इंडिया को जाइए 9 में से 10 लोग वो कहते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट को जाइए 10 में से 4 ही लोग वो बात कहते हैं। सो एक तरह से ये भारतीय कौन, ये भारतीय को आप भाषा से जोड़ेंगे। मुझे लगता है प्यू रिपोर्ट से एक पुरानी बात जो काफी वर्षों से चर्चा की गई है, मैं भी मानता हूं कि देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए, लेकिन इस बात को अगर हमें एक्सेप्टेंस लेना है, इस एक्सेप्टेंस को आप समाज में फोर्स नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि थोड़ा अगर आप अपना टेलीस्कोप साउथ इंडिया में माउंट करेंगे तो आपको लगेगा कि वो एक भावना वहां पे काफी है। लोग समझते हैं भाषा को, लोग बात करने के लिए तैयार है भाषा को, बट जब आपको कहा जाए कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है कि इस भाषा में आप बात करें, तो अगर मुझे भाषा मालूम हो तब भी मैं बात नहीं करूंगा। ये एक आई थिंक कॉन्ट्रेडिक्शन जो आप देखेंगे हमारे सर्वे में क्लियरली दिखाई देता है। हिलाल भाई, 2 मिनट ज्यादा लेने के लिए माफी, अभी मैं अपनी बातों को यहाँ समाप्त करता हूँ और बाद में कई प्रश्न आए तो वापस आने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई। आपने जो है हम अपनी बातचीत में कह रहे थे कि गागर में सागर, उसको आपने साबित कर दिया। जो हिंदी वाली बात आपने कही तो मैं तो कभी नहीं ये कहता, ना ये मैं मानता हूँ या कहूंगा। हाँ, लेकिन ये सवाल मुझसे भी इसी तरह से कई बार पूछा जाता है कि आप मुसलमान होते हैं होते हुए भी हिंदी में कैसे क्यों लिखते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं पर राष्ट्रीय पहचान का सवाल है, तो इस पर हम बाद में आएंगे। अब मैं आमंत्रित करूंगा रुक्मणी जी को कि वो अपनी बात करें। शुक्रिया हिलाल जी, शुक्रिया सभी CSDS और पीयू के एक्सपर्ट्स की। हालांकि मेरी परवरिश भी भारत में हुई है, मेरी हिंदी काफ़ी कच्ची है और मैं इसके लिए शुरुआत में ही अपोलोजाइज करती हूँ। और इसका कारण ये है संदीप जी कि मैं पिछले 5 साल से चेन्नई में रहती हूँ और मुझे कभी हिंदी का एक शब्द बोलने का सवाल ही नहीं उठता है। मैं तमिल सीख चुकी हूँ और इंग्लिश बोल लेती हूँ और इन दोनों से काम ही नहीं होता है, उससे आगे भी जो भी सारे रिलेशनशिप्स इन दो भाषाओं से निभाए जाते हैं यहाँ पे। तो जो बात पीयू के रिपोर्ट में एक जो बात नॉर्थ और साउथ की डिफरेंस के बारे में आई है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हिंदू न्यूज़पेपर है उन्होंने
इन डिफरेंसेस को खास करके स्पॉटलाइट करके एक ग्राफिक बनाया था और वो ग्राफिक साउथ के व्हाट्सएप पे एकदम वायरल हो चुका था क्योंकि एक और ये मेरा कांस्टेंट क्रिटिसिज्म होता है काफ़ी पोलिंग के बारे में कि कुछ इजी नैरेटिव होते हैं, कुछ कहानियां लिखी जाती हैं और फिर बार बार दोहराई जाती हैं और एक कहानी ये भी है कि साउथ बहुत धार्मिक है। आप देखेंगे 5 बजे से हर मंदिर के सामने लोग खड़े होंगे, हर महिला के बाल में फूल होंगे और अगर आप पूछेंगे कहाँ से लिए हो तो मंदिर के बाहर अक्सर लिए जाते हैं। तो इससे एक जो अपीयरेंस ऑफ रिलीजियोसिटी धार्मिकता को बहुत प्राथमिकता है यहाँ साउथ में ये माना जाता है, ये फाइंडिंग्स मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं क्योंकि धार्मिकता का एक होता है परफॉर्मेंस और धार्मिकता का एक होता है जीवन से जुड़ना और शायद ये दोनों सेम लेवल पे नॉर्थ और साउथ में नहीं होती है। तो आपके जो फाइंडिंग्स है साउथ में धार्मिकता के बारे में वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे भी मैं यहाँ 5 साल ही रही हूँ, मैं वैसे पुणे की हूँ तो मुझे भी चेन्नई एक धार्मिक शहर लगता है मगर जो डीप रूटेड रैशनलिज्म है यहाँ पे जो एक खास बात है तमिलनाडु की और केरला की, शायद उसके उस रैशनलिज्म और रिलीजियोसिटी का जो कॉम्बिनेशन है उससे एक नई धार्मिकता शायद बनी है यहाँ पे जो शायद ये जो फाइंडिंग्स है साउथ के बारे में शायद ये भी बात दर्शाते हैं। मैं इस रिपोर्ट को देख के और एक कारण के लिए काफ़ी खुश थी कि भारत में जो भी पोलिंग होता है वो अक्सर इलेक्शंस के पहले या बाद में होता है और इसके कारण एक बात जो होती है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन का बहुत क्लोज तालमेल है और बढ़ता ही जा रहा है मगर दोनों चीज़ों को अलग से देखने की भी ज़रूरत है। एक क्वेश्चन जो लोकनीति के एक पुराने सर्वे में आया था, मैं अक्सर अपने फ्रेंड्स को बताती हूँ इसके बारे में क्योंकि ये प्रश्न मैंने कहीं और नहीं देखा था, ये था क्या आप किसी बाबा या गॉडमैन में बिलीव करते हैं और बहुत ही हाई नंबर था और प्रश्न भी बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया था। प्रश्न ये था क्या आप फोटो रखते हैं घर में और दूसरा प्रश्न था कि आप उनकी सलाह लेते हैं और फिर दोनों को मिलके ये कंक्लूजन लिया गया था कि क्या आप फॉलोअर हैं इसके। ऐसे प्रश्न भारत में धर्म के प्रैक्टिस का एक बहुत डीप इंसाइट देते हैं। उसी प्रकार से तीर्थ यात्रा करना, पिलग्रिमेज पे जाना, ये बात भी मुझे दूसरे डेटा में अक्सर मिलता है। जैसे हमारे नेशनल सैम्पल सर्वे में टूरिज्म के बारे में एक प्रश्न आता है और उसमें देखा जाता है कि तीर्थ यात्रा पे जाना टूरिज्म का एक सबसे हाई सोशल रीजंस और तीर्थ यात्रा बहुत ही हाई है। तो ये जो इंटरप्ले ऑफ रिलीजन विथ रेगुलर लाइफ ऐसे क्वेश्चंस में बहुत इंसाइट देते हैं और ऐसे क्वेश्चंस में द रियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन इन इंडिया कम आउट थ्रू दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। सभी पोलिंग के बारे में मेरा एक क्रिटिसिज्म या पुशबैक रहता है कि अक्सर बहुत ही जनरल और सभी को प्लीज करेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस और आंसर्स होते हैं जो फुल डिटेल को कुछ हद तक छिपाते हैं। जैसे संजय जी और मेरी संजय जी से भी काफ़ी बार ये बात हुई है कि हर एक इलेक्शन के बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस इलेक्शन में आपके लिए सबसे अहम कौन सा मुद्दा था, तो जो डेवलपमेंट होता है वो हर एक इलेक्शन में नंबर वन होता है मगर अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो भारत के पॉलिटिक्स में और इलेक्टोरेट में बहुत बड़े चेंज आए हैं
और ये बस डेवलपमेंट को ज्यादा पसंद करना या कम पसंद करने वाली बात नहीं है, ये धार्मिकता की बात है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ धर्म की बात है, ये सब भी उसमें आता है. तो मैं इन क्वेश्चंस को फिग लीफ मानती हूँ कि इस क्वेश्चन को का एक सोशली एक्सेप्टेबल जवाब देकर कभी कभी हेडलाइंस भी उसी से बन जाती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मिथ है या लेजेंड्स है हमारे देश के बारे में जो हम बहुत हमारे लिए बहुत डियर है और हम उनको होल्ड करके रखना चाहते हैं, क्योंकि एक फसाड बनाया गया है जो हम टूटना देखना नहीं चाहते हैं. तो मैं समझती हूँ कि ये टॉलरेंस भी उसी में कुछ हद तक आ जाता है. अगर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन में लोग कह सकते हैं कि दूसरे धर्म को फ्रीली प्रैक्टिस करना महत्वपूर्ण है और मेरे धर्म में महत्वपूर्ण है, मेरे देश में महत्वपूर्ण है, इससे मुझे सहिष्णुता का प्रूफ नहीं दिखाई देता. अगर इसके बाद में एक 50 क्वेश्चंस में आप कहेंगे कि साथ में नहीं रहना है, मेरे दोस्त इस धर्म के नहीं हैं, मुझे पड़ोसी नहीं चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, तो ये सब मिला के मैं नहीं कहूँगी कि इस डेटा से हम कह सकते हैं कि ये मेल्टिंग पॉट भी है और सेग्रीगेशन भी है. नहीं, मुझे लगता है कि ये मेल्टिंग पॉट या टॉलरेंस एक फिग लीफ है और जो सच्चाई है वो बाद के सारे प्रश्न में आ जाता है. खास करके मैं इंटरमैरिज पे थोड़ा फोकस करना चाहती हूँ. दूसरे सर्वेज में भी ये अक्सर आया है, ये जो सर्वेज देखते हैं उन किसी को ये बात सरप्राइजिंग नहीं लगी होगी, मगर प्यू का काम नॉन पार्टिजन है और बस इन फाइंडिंग्स को आगे रखना है, मगर हम जैसे लोगों का काम है, एक काम नहीं मगर हम ह्यूमंस होते हुए एक मॉरल रिस्पांस भी होता है. तो जो मॉरल रिस्पांस होना चाहिए हमारे देश में इंटरमैरिज के ऑपोजिशन को लेकर, वो मैं नहीं देखती हूँ और वो मैं एक डेमोक्रेटिक फीलिंग मानती हूँ कि अभी भी 1936 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने अनहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा था कि द रियल रेमेडी फॉर ब्रेकिंग कास्ट इज इंटरमैरिज. और इसके 85 इयर्स बाद भी अगर सभी धर्म के मेजॉरिटी लोग कहेंगे कि इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजियस मैरिज स्टॉप करना चाहिए, तो एक ये एक बहुत ही बड़ा डेमोक्रेटिक फीलिंग है और जो मास मॉरल अपराइजिंग अगेंस्ट इट जो होना चाहिए वो मैं नहीं बिल्कुल नहीं देखती हूँ. लास्ट में मैं एक पॉलिटिक्स और रिलीजन के इंटरप्ले के बारे में और एक चीज कहना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि आपके धर्म के प्रैक्टिस में कौन से क्या बहुत अहम चीज है, इसमें मुझे ये रैंकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट लगी, क्योंकि इसमें एक बात दिखाई देता है कि जो कल्चर वॉर कहते हैं, ये वैसे US पॉलिटिकल एनालिसिस में कल्चर वॉर्स की ज्यादा बात होती है, मगर इंडिया में भी जो कल्चर वॉर्स बने हैं या बनाए गए हैं उनका इफेक्ट धर्म पे इन क्वेश्चंस में दिखाई देता है. अगर दोनों मेजर रिलीजन्स में सबसे ज्यादा लोग कहेंगे कि ये खाना या ये न खाना आपके इस रिलीजन का होना या न होना होने में डिस्क्वालिफाई करता है, तो रिलीजियस लीडर्स को भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि आपके धर्म को कैसे वेपनाइज या पोलिटिसाइज किया गया है कि पूरे धर्म की अंडरस्टैंडिंग डाइनिंग टेबल के लेवल पे हो गई है. तो इन सभी कॉन्वर्सेशंस को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी डीप रूटेड अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि रिलीजन का इसको इतना की आइडेंटिटी ऑफ रिलीजन माना गया है और भगवान को मानना या ना मानना उसके नीचे है और क्या आप खाते हैं वो सबसे ऊपर है. तो ये कल्चर वॉर्स का डीप पर्कुलेशन का भी एक एग्जाम्पल है. तो फाइनली मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ कि जो स्टेटिस्टिक्स में बात होती है या सर्वेइंग में क्रॉस टैब्स की, ये प्यू रिपोर्ट में काफ़ी हुआ है और मैं लोकनीति के रिपोर्ट्स में भी देखती हूँ.
ये बस एक स्टेटिस्टिकल इशू नहीं है या जर्नलिस्ट जो और रिसर्चर्स रॉ डेटा मांगते हैं, ये बस एक स्टेटिस्टिकल क्वेश्चन नहीं है, मगर इन क्रॉस टैब से जो हम जो फसाड बनाए गए हैं, ये क्रॉस टैब क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन फसाड्स के अगेंस्ट पुशबैक किया जा सकता है. तो अगर आपको कहना है कि आप बहुत रिलीजियसली टॉलरेंट हो, मगर अगर यही क्रॉस टैब्स दिखाते हैं कि आपके दूसरे इश्यूज पे क्या व्यूज हैं और फाइनली आप किसको वोट देते हैं, ये इसीलिए मैं क्रॉस टैब्स को इतना इम्पोर्टेंट मानती हूँ और रॉ डेटा के लिए रॉ डेटा रिलीज करना इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है. ये स्टेटिस्टिकल बात नहीं है, ये वैसे डेमोक्रेसी के डीपर अंडरस्टैंडिंग की बात है. अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगी. थैंक यू. शुक्रिया रुक्मिणी जी, आपकी बात से ये तो स्पष्ट हो गया कि सर्वे के अंदर हम जो भी निष्कर्ष निकालते हैं वो सवाल होते हैं, जवाब नहीं होते हैं. तो इस विषय पर हम वापस में लौटेंगे. मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे सहयोगी मित्र. थैंक यू हिलाल भाई. सबसे पहले तो मैं नेहा सहगल और उनकी टीम को बधाई देना चाहूंगा, उन्होंने बहुत ही बढ़िया ये सर्वे किया. मैं बहुत ही खुश हुआ इस सर्वे के नतीजों को देखते हुए. नतीजों पर चर्चा नहीं करूंगा. संदीप भाई जैसा कह रहे थे कि मैं टिक कर रहा था कि नेहा जी ने कौन किन किन बातों का जिक्र किया, अगर मैं टिक करने लगूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा बोलने के लिए. और मुझे इस बात का एहसास था कि मैं, और मैंने हिलाल भाई से रिक्वेस्ट किया था कि मैं आखिरी में बोलना चाहूंगा, तो मैं शायद थोड़ा मेथड्स पे ज्यादा चर्चा करूं. और जो मैं कह रहा हूं कि बहुत बहुत बधाई नेहा सहगल जी को, उनकी टीम को, पीयू रिसर्च को. और किस बात से मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि आजकल पिछले 4-5 सालों में, बल्कि आप मैं अगर कहूं 10 सालों में, जिस तरह के हिंदुस्तान में सर्वे हो रहे हैं उसे देख के मैं बहुत विचलित रहता हूं, बहुत ही निराश रहता हूं. निराश किस बात से? निराशा इस बात से होती है जिस बात का जिक्र रुक्मिणी ने भी किया, कि ज्यादातर सर्वे के नाम पे वो इलेक्शंस के समय होते हैं, या आप एग्जिट पोल कह लें, प्री पोल कह लें, कई तरह की कमियां आती जा रही हैं. सर्वे की जो क्वालिटी है उसमें बहुत ही गिरावट आ रही है. सबसे पहले सारे के सारे सर्वे इलेक्शंस के इर्द गिर्द होते हैं. इस तरह के इम्पोर्टेंट विषय पे तो कभी कोई सर्वे करने की सोचता ही नहीं है. कुछ लोग कभी अगर सर्वे करते भी हैं तो जो दूसरी दिक्कत होती है कि मेथोडोलॉजिकल डिटेल्स नहीं होते, किस प्रणाली से, किस पद्धति से सर्वे किया गया, इसका कोई जिक्र नहीं होता है. हाल ही में मैं एक दो सर्वे देख रहा था और दुख की बात है कि इन सर्वे को हेडलाइंस भी मिल जाता है. कोई एक सर्वे सिर्फ 2 सवाल पूछते हैं और वो बिल्कुल देश के बड़े अखबारों का हेडलाइन बन जाता है. मेथोडोलॉजिकल डिटेल्स, किस पद्धति से किया गया सर्वे, इन सब चीजों का कोई जिक्र नहीं होता. ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि, मतलब ये खुद की बढ़ाई करने की बात नहीं होगी, लेकिन शायद लोकनीति सीएसडीएस हिंदुस्तान के जो अलग अलग संस्थाएं हैं उनमें से एक ही हमारी संस्था है जो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो सर्वे है वो बिल्कुल पद्धति के अनुसार किया जाए, मेथोडोलॉजिकल रिगर हो, उसकी डिटेल्स लोगों तक बताई जाए. और उसी कड़ी में पीयू का ये जो रिसर्च है बहुत ही इम्पोर्टेंट इसकी भूमिका है. पूरी रिपोर्ट में अगर देखें तो सारी मेथोडोलॉजिकल डिटेल्स है, किस तरह से सैम्पलिंग की गई, क्वेश्चनर को 17 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया जिस तरह से हम करते हैं. और हमारे और पीयू रिसर्च के ट्रांसलेशन की बात नहीं करनी चाहिए, ये तो आवश्यकता है, ये जरूरी है सर्वे में करना. सर्वे में उसी भाषा में लोगों से सवाल पूछना चाहिए जो लोग सवाल जो भाषा बोलते हैं. अब आजकल अगर आप सर्वे बंगाल में करते हैं और कहते हैं हमने हिंदी में पूछ लिया, अंग्रेजी में पूछ लिया, तो इस तरह के सर्वे अच्छे नहीं माने जाते, एकेडमिक रिगर उसमें नहीं है. इन सब दृष्टिकोण को देखते हुए मुझे लगता है ये बहुत ही बढ़िया, बहुत एकदम मेथोडोलॉजिकल रिगर के साथ किया हुआ सर्वे है और ऐसे सर्वेस की बहुत जरूरत है. विषय रिलीजियस टॉलरेंस या रिलीजियस एटीट्यूड्स पर ये सर्वे है. हिंदुस्तान में अगर हम जब भी बात करें रिलीजियन की, रिलीजियस टॉलरेंस की, रिलीजियस डिफरेंसेस की, रिलीजियन का जब भी जिक्र होता है तो हम सीमित हो जाते हैं 2 रिलीजियन पर, हिंदू और मुसलमान. इससे ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ पाते. हम का मतलब आम लोग चर्चा जब करते हैं, कहते हैं धार्मिक चीजों पे जब भी चर्चा होती है तो कहते हैं हिंदू और मुसलमानों पर चर्चा हो जाती है, सिख
इसके आगे ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान में और दूसरे धर्म के लोग रहते ही नहीं है। इस सर्वे की खासियत है कि आप ये जो सात बड़े इंपॉर्टेंट रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, आप चाहे सिखों के बारे में समझना, उनके एटीट्यूड के बारे में समझना, जैन्स के एटीट्यूड्स के बारे में समझना, तो इस ये सर्वे हमें एक सहूलियत देता है इन छोटे छोटे जो धार्मिक समुदाय हैं उनके भी रिलीजियस एटीट्यूड्स, उनके भी रिलीजियस बिलीव्स, उनके भी रिलीजियस ओरिएंटेशन को इससे समझा जा सकता है। उस तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। और जब भी हम रिलीजियस एटीट्यूड्स टॉलरेंस की बात करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारत में रिलीजियन का मतलब सिर्फ दो समुदाय नहीं है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान नहीं है, इसके अलावा भी और रिलीजियंस हैं और उनके एटीट्यूड्स, उनके भी परसेप्शंस को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। मुझे लगता है जिस तरह के आजकल हिंदुस्तान में जो मैं कहता हूँ चालू सर्वे हो रहे हैं, अगर कोई चालू सर्वे होता तो वो देश के 4-5 बड़े शहरों में किया होता, हिंदू मुसलमानों के बीच में किया होता। और ये जो डिटेल्स जो हमें सिखों के बारे में अगर जानना है, पारसीज के बारे में जानना है, जैन्स के बारे में जानना है, इन सब चीजों का कोई जिक्र नहीं होता है। तो ये सर्वे उस हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तीसरी बात, क्या कोई ऐसे आंकड़े हैं जो मुझे चौंकाते हैं? अब मुझे ऐसा कोई भी आंकड़ा नहीं लगा जो मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा। इसकी वजह दो है। एक वजह तो यह है जिसका हिलाल भाई ने भी जिक्र किया, लोकनीति ने भी 2015-16 में लगभग इसी तरह का एक सर्वे किया था। और अगर आप देखें तो कुछ आंकड़े हमारे पास थे, हमारे जहन में थे, मुझे मालूम था इन कुछ सवालों पर किस तरह की प्रतिक्रिया या किस तरह के जवाब आए थे 4-5 साल पहले। तो एक तो कुछ आंकड़ों का आभास मुझे था कुछ विषय पर किस तरह की लोगों की सोच है। पीयू का सर्वे जो है, जिन सवालों को पीयू सर्वे में भी पूछा गया, ऐसे सवाल जो हमने भी लोकनीति सर्वे में पहले पूछा था, अगर उन सवालों पर जवाब देखें तो लगभग एक जैसे जवाब है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है क्योंकि लोगों की सोच कुछ ना कुछ तो जरूर बदल रही है, लेकिन इतनी नहीं बदली है कि हमें बहुत विचलित करे। इसी के लिए कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है जो मुझे बहुत विचलित बहुत अचंभित करता हो। मुझे लगता है सेट पैटर्न्स हैं, जिस तरह की बातों का जिक्र हो रहा है, इंटर रिलीजियस मैरिज का जिक्र सब लोगों ने किया, संदीप भाई ने किया, रुक्मिनी ने किया, नेहा जी ने भी उसका प्रेजेंटेशन अपने स्लाइड्स में उस बात का जिक्र किया। भले ही वो आंकड़े हमें पसंद हो या ना हो, हम सोचते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। रुक्मिनी ने इस बात का बहुत जिक्र किया कि भाई अगर आज से 80 साल पहले बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर समाज में बड़ा परिवर्तन चाहिए तो इंटर रिलीजियस मैरिजेस होना चाहिए, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में हर धर्म के लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, शादी तो अपनी अपने समुदाय अपनी जाति में होना चाहिए। लेकिन मैं इन आंकड़ों को देख करके अचंभित इसी के लिए नहीं हूं कि मैं अगर समाज में अपने पास पड़ोस में अपने कहूँ तो परिवार में एक्सटेंडेड फैमिली में अगर देखता हूं तो ऐसी सोच मुझे दिखाई पड़ती है। इसी के लिए मैं बहुत अचंभित नहीं हूं इन आंकड़ों से, मुझे कोई बहुत सरप्राइजिंग नहीं लगा। आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, सरप्राइजिंग तो नहीं लगा लेकिन क्या कोई आंकड़ा है जो मुझे जिससे मुझे निराशा होती है या मुझे थोड़ा कहूं तो विचलित करता है? मुझे लगता है ये जो आंकड़ा जिसका जिक्र फिर सबने किया था, लगभग संदीप भाई ने किया, नेहा जी ने किया, पड़ोसी, आप किसे अपने किस धर्म के लोगों को अपने पड़ोसी के रूप में देखना नहीं चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये आंकड़े थोड़े निराशाजनक है। इतना शार्प, हालांकि नेहा जी ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि ये आंकड़े उतने बड़े नहीं है, 30% हिंदू कहते हैं कि हमें दूसरे धर्म के, मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे ध्यान में नहीं है अभी, लेकिन लगभग 30-32% हिंदू कहते हैं कि हमें दूसरे धर्म के लोग अपने नेबर के रूप में पसंद नहीं है, और उनमें बड़ी तादाद में ऐसे लोग जो कहते हैं कि हमें मुस्लिम समुदाय के लोग अपने नेबर के रूप में पसंद नहीं है। मुझे लगता है ये थोड़ा विचलित करने वाला है आंकड़ा, ये आंकड़ा मेरी समझ से तो बड़ा है। इतनी तादाद, इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मुझे दूसरे धर्म के लोग अपने पड़ोसी के रूप में नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है ये कोई एक अच्छा सिग्नल नहीं है भारत के समाज के लिए, जहां एक तरफ हमें रिलीजियस टॉलरेंस के आंकड़े तो दिखाई पड़ते हैं, जो पहला स्लाइड नेहा जी का था, कई ऐसे स्लाइड्स है, कई ऐसे डेटा है जो ये बताते हैं कि रिलीजियस टॉलरेंस है, लेकिन ये किस तरह का रिलीजियस टॉलरेंस है जहां पर 30% हिंदुस्तान में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है हिंदू, जो कहते हैं हमें मुसलमान नहीं चाहिए नेबर्स, और यही बात
मुस्लिम धर्म के लोगों पर भी लागू होता है, अलग अलग धर्म के लोगों पर भी लागू होता है। एक आध धर्म के लोगों को अगर छोड़ दें जो ज्यादा न्यूट्रल ज्यादा मेलो डाउन दिखाई पड़ते हैं, तो मुझे लगता है ये थोड़ा विचलित करने वाली बात है। और हमें आंकड़ों को थोड़ा और गंभीरता से देखने की जरूरत है, चूंकि हम बार बार कहते हैं कि हम एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में काम करते हैं, हम एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, हम इस पर एक्शन नहीं करते, लेकिन इन आंकड़ों को समझना चाहिए, समाज किस में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, और ये जो आंकड़े हैं समाज में होने वाले परिवर्तन को एक तरह से बहुत अच्छे तरह से उसका सूचक है। तो हिलाल भाई और मेरे अन्य पैनलिस्ट, मैं अपनी बात यहीं खत्म करूंगा, अपने दर्शकों से अपने श्रोताओं से माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि अगर उनके कोई प्रश्न होंगे तो मैं प्रश्न नहीं ले पाऊंगा। जैसा हिलाल भाई ने जिक्र किया कि मुझे अभी निकलना पड़ेगा, अगर मेरे कोई ऐसे प्रश्न होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं हमारे तमाम जो दूसरे सहयोगी हैं जो को पैनलिस्ट हैं वो इसका जवाब देंगे। थैंक यू हिलाल भाई। सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। लाल भाई आप म्यूटेड हैं, म्यूट हैं, म्यूटेड है। जी शुक्रिया, मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है। अब आ रही है। नहीं, शुक्रिया संजय भाई, आपको मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप और समय यहाँ लगाएं, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी है और आपका जाना जरूरी है, तो इस विषय पर जो भी सवाल है वो हम बाद में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इतने शॉर्ट। तो अभी हम जो अगला राउंड है, ये दूसरा सेगमेंट है हमारी चर्चा का, उसको शुरू करेंगे। मैंने जैसे कहा था कि जो भी हमारे सुनने देखने वाले हैं वो चाहे तो Q&A में अपने सवाल रख सकते हैं, और क्योंकि अभी बहुत सवाल नहीं आए हैं तो बातचीत की शुरुआत में ही एक दो सवालों से करूँगा। सबसे पहले मैं नेहा के पास जाऊँगा, और नेहा अगर हम पूरी परिचर्चा को थोड़ा सा इस तरह से देखें, और खासतौर से जो सवाल संदीप भाई ने इशारा के तौर पे और रुक्मणी ने स्पष्ट तौर पर सामने रखे, और उसके बाद में जिस चीज पर अंत संजय जी ने किया, वो एक बहुत बड़ा एक सवाल बनाता है हम सबके लिए सोचने के लिए कि सर्वे करने के बाद जो आंकड़े हमारे पास आते हैं, ये सही है कि हमने एक वैज्ञानिक पद्धति से अपना अपने आंकड़ों को इकट्ठा किया था, हमने एक वैज्ञानिक पद्धति से उन्हें एक सिस्टम में लाए थे और उसके निष्कर्ष हमने निकाले थे, लेकिन इससे जो बड़ा सवाल पैदा होता है वो ये है कि दो 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 जो डायरेक्शंस निकल के आती हैं वो ये कि क्या हम इनको जवाब मान लें, जो भी हमने सवाल पूछे हैं क्या ये उनके जवाब हैं जो कि समाज में चलने वाली पद्धतियों की ओर हमारा इशारा कर रहे हैं, या फिर हम इनको नए सिरे से नए सवालों का परिचायक मान, ये हमको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा परिचय करा रहे हैं उन नई वस्तु स्थितियों से जो कि उभर रही है। तो इस विषय पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा आंकड़ों का क्या महत्व है और पीयू के ये आंकड़े किस दिशा की ओर हमें इशारा कर रहे हैं कि हमें आगे और क्या करना है। बहुत बढ़िया सवाल है, और एक आप एक फेलो सर्वे रिसर्चर हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि सर्वे रिसर्च में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। तो मेरा ये मानना है कि सर्वे रिसर्च में हम नई नॉलेज जनरेट नहीं करते हैं, नई नॉलेज जनरेट होती है क्वालिटेटिव वर्क से, जो एथनोग्राफिक वर्क किया जाता है उससे नई नॉलेज जनरेट होती है। हम सिर्फ ये काम करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस पे हम एक आंकड़ा जोड़ देते हैं, उसको लेकर के हम सवाल बनाते हैं, और फिर हम बताते हैं कि भाई ये जो एटीट्यूड पता चल रहा है एथनोग्राफिक रिसर्च से ये कितना प्रेवलेंट है, कहाँ पे है और कितनी सर्टिनिटी है इसके आगे पीछे। तो आई थिंक ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और उदाहरण मैं दूंगी एक टर्म हिंदू नेशनलिज्म की, जो कि हर कोई इंसान इंडिया में हर दूसरा इंसान ये टर्म को मतलब कैजुअली सेंटेंस में यूज करता है कि फलाना फलाना इंसान हिंदू नेशनलिस्ट है और ये ऐसा है, ये नेशनलिस्ट, वो हिंदू नेशनलिस्ट, बट इस टर्म का डेफिनेशन क्या है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये हमें अभी तक ठीक से इसके बारे में मालूम नहीं है। और Pew रिसर्च के रिपोर्ट में हमने इस टर्म को डिफाइन नहीं किया, इसीलिए क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, ये क्वालिटेटिव रिसर्चर्स का काम है। हमने सिर्फ देखा कि भाई डेटा में हमें क्या पहलू जुड़े हुए मिलते हैं,
भाषा धर्म पॉलिटिक्स किस तरह, सो यही चीज हमने दर्शाई, बट इसका क्या मतलब है, क्यों होता है? मेरे हिसाब से एक विजुअलाइज किया जाए तो जैसे कि डॉट्स बनी हुई है और डॉट्स को जोड़ना है ताकि ताकि चित्र पता चले, ये काम आपका है क्योंकि आप लोग इंडिया एक्सपर्ट्स हैं, आप क्वालिटेटिव वर्क कर भी करते हैं, तो क्यों लोग इस तरह फील करते हैं और इसका इंडिया के लिए क्या मीनिंग है, ये काम आगे आपका है, हमने सिर्फ आपको डॉट्स दे दी है। शुक्रिया, आपने फिर बॉल मेरे पाले में डाल दी है तो लेकिन ये बहुत सही आप कह रही हैं कि वाकई में ये दरअसल डॉट्स हैं जिनसे एक नई तस्वीर बनानी है। संदीप भाई की तरफ अगला सवाल है मेरा, और वो यही है संदीप भाई, जो तीनों बातें आपने कही उसमें दो चीजें मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा और विस्तार की जरूरत है। पहला, आपने जो ये कहा कि सहिष्णुता और जो अलगाव का विचार है वो अलग अलग है और अलग अलग देखना चाहिए, तब सवाल पैदा होता है कि बड़ी पिक्चर जिसकी बात नेहा कर रही है उसको हम कैसे समझें। जो रिपोर्ट का टाइटल है सेग्रीगेशन और टॉलरेंस, वो दोनों चीजें निसंदेह अलग अलग है और आपकी बात से बात और भी ज्यादा स्पष्ट होती है, लेकिन जो बड़ी पिक्चर इस क्रिटिकल जो व्यू आप दे रहे हैं, जो आलोचनात्मक नजरिए से आप देख कर दे रहे हैं, उससे बड़ी पिक्चर जो उभरती है उसको हम कैसे समझें, ये सवाल आता है। हिलाल भाई, आपने एक बहुत ही महत्व का प्रश्न उठाया है। एक तरफ आप जब धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं, टॉलरेंस की बात करते हैं, मुझे लगता है कि इस प्योर रिपोर्ट में काफी जगह काफी संकेत मिलते हैं कि इस सहिष्णुता की सीमा कम होती जा रही है, वो तो स्पष्ट दिखता है। बट मैं इंटरवेंशन में यहाँ पे मैं संजय भाई से थोड़ा मेरा दृष्टिकोण अलग है। मैं क्या उस संदर्भ में कह रहा था कि हम इस प्रश्न को कि आप ये पड़ोसी के प्रश्न को जिस तरह से हमें उसका रिस्पांस मिला है, उस रिस्पांस को हम धार्मिक सहिष्णुता के साथ ना जोड़े, वही मेरी बात थी। मेरा कारण बहुत स्पष्ट था। जब आप मुझे कोई प्रश्न पूछेंगे, एक सामान्य नागरिक होते हुए मुझे एक प्रश्न पूछेंगे, जब मैं वो प्रश्न का जवाब दूंगा, मेरी एक जो जीवन की अनुभव रही है, जो मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूं, उसे मन में नजर रखते हुए मैं जवाब दूंगा आपको। अगर आप मुझे पूछेंगे कि क्या आप चाहते हैं कि आपके पड़ोसी किसी और धर्म के हों, तो ना आप जैसे इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड पर्सन ये सब सोच के जवाब देगा, बट आप सामान्य लोगों के ये प्रश्न पूछेंगे तो वो कहेंगे वास्तविक परिस्थिति क्या है, मैं किस परिस्थिति में पिछले 20-30 सालों से रह रहा हूं, मेरे या आसपास लेफ्ट को देखूं, राइट को देखूं, पीछे देखूं, आगे देखूं, ज्यादातर मेरे ही धर्म के लोग मेरे साथ रहते हैं। सो उसी बात पे लोग इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे। सो मेरी पॉइंट बहुत ही सिंपल पॉइंट है, कौन आप अपना पड़ोसी चाहते हैं, उस आंसर को आप धार्मिक सहिष्णुता से आप डायरेक्टली कनेक्ट ना करें। मैं ये बात मानूंगा प्योर रिपोर्ट में अलग अलग जगहों पे इसकी एक चर्चा है कि टॉलरेंस कम हुई है, नो शैडो ऑफ डाउट अबाउट दिस, बट उस बात को मैं ये पड़ोसी प्रश्न से नहीं जोड़ूंगा, वही मेरी छोटी पॉइंट है। अगर हिलाल भाई आधा मिनट दे सके तो मैं एक रुक्मिणी जी की बात पे नहीं जरूर जरूर टिप्पणी करना चाहता हूँ। प्लीज, अभी हमारे पास सवाल आए नहीं, आप प्लीज टाइम लीजिए। रुक्मिणी जी, आपने ये बहुत ही ठीक तरह की बात कही कि जब भी हम चुनाव के एक वातावरण में सर्वे करते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं आपका मुख्य मुद्दा क्या है, हमेशा बेरोजगारी, प्राइस राइज, यही विषय आएंगे। लेकिन जिस तरह का लोग मतदान करते हैं,
वो मतदान जिस तरह जाता है वो समस्या को दर्शाता नहीं है। और इस बात पे हमने, संजय जी हो, हिलाल भाई हो, मैं हूं, काफी हमने लिखा है इस पे, दैट समस्या अपनी जगह, और जब वो ईवीएम आप दबा रहे हैं वहां पे आपके मन में और एक विचार। सो द वर्ल्ड ऑफ चॉइसेस व्हेन यू गो टू वोट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एस्पिरेशंस व्हिच यू हैव। वो फॉर एंड इसी कारण से रुक्मिणी जी हमने पिछले 3 साल ये स्टडी किया पॉलिटिक्स बिटवीन इलेक्शंस, जिसमें एक्चुअली इस सर्वे को जो आज प्यू सर्वे के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप वो 3 रिपोर्ट्स देखें, इन्हीं बातों का संकेत उन 3 रिपोर्ट्स में था। शुक्रिया संदीप भाई। मैं अब रुक्मिणी जी की तरफ आऊंगा। एक्चुअली जो बात मैं कहने वाला था वो संदीप भाई ने कह दी है। एग्जैक्टली मैं यही बात आपसे कहने वाला था और इसको सवाल बनाकर ही पूछने वाला था। ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग लगातार इस बात की ओर विचार करते रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पैकेज एक वोटर को दिया जाता है वो क्या है और उसके अपने मुद्दे क्या है। तो क्या वो मुद्दे उसी तरह से अनुवाद उनका राजनीतिक भाषा में होता है कि नहीं होता, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल आपने इसी तरह इशारा किया। और जो हमारे सर्वे में भी बात आई है और उसके आगे भी सर्वे के बाद जो हम काम और भी करते रहे हैं उसमें भी, लेकिन मेरा सवाल एक और सवाल है जो आपसे, जो आपने ये कहा जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये है कि दक्षिण के अंदर जो धार्मिकता की बात आपने कही और वो कहीं ना कहीं पर एक चीज की तरफ इशारा करती है कि जो चीज हम, जो संदीप भाई भी कह रहे हैं, जो हम देखते हैं और जो देखकर हम जवाब देते हैं और जब जवाब इकट्ठे होकर हमारे सामने आंकड़ों के रूप में आते हैं वो बिल्कुल बदली हुई शक्ल होती है। लेकिन इसके, इस बात को कहते समय आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क की ओर हमारा ध्यान दिलाया और वो था विवेकवाद यानी रैशनैलिटी। आपने ये कहा कि दक्षिण में, दक्षिणी धार्मिकता में एक विवेकशीलता नजर आती है, क्या ये उसका परिचायक है या नहीं है, ये आपका एक स्टेटमेंट। इसी से सवाल उठता है कि जो अगर आप इसको पीयू की रिसर्च के केवल इस इन सवालों तक ना रख कर देखें बल्कि कोई जो और हमने सवाल पूछे हैं खासतौर से तमिलनाडु इलेक्शन को लेकर ओवर द इयर्स, उसमें एक चीज आई है और दक्षिण की राजनीति में वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है पॉलिटिशियंस की वर्शिप। तो एक तरफ हम ये कह रहे हैं क्योंकि आपने कहा और मैं काफी हद तक उससे सहमत भी हूँ कि ऐसा धर्म और ऐसी धार्मिकता जो विवेक पर आधारित है, और दूसरी तरफ एक ऐसी संस्कृति जिसमें कि राजनीति को लेकर भी पूजा शुरू हो चुकी है, तो ये दो परस्पर विरोधाभासी चीजें सामने आ रही हैं दक्षिण को लेकर। आप दक्षिण में 5 सालों से रह रही हैं, तो आप इन दो विरोधाभासी प्रवृत्तियों को कैसे देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल जी। पहले मुझे ही सोचने की जरूरत है, तो ऐसे प्रश्न बहुत वैल्यूबल होते हैं। मैं एक्चुअली इन इन दोनों स्ट्रैंड्स को मैं विरोधाभासी नहीं मानती हूँ, और वो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ये जो हीरो वर्शिप, कल्ट्स, वर्शिप ऑफ रिलीजियस लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स, मैं नहीं मानती हूँ कि ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ये हम सभी ने बहुत ही विजुअल रूप में देखा भी है, मगर इसमें कुछ नुआंसेस है जो हम बाहर, जो हम साउथ के बाहर कभी कभी वो ट्रांसलेट नहीं होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। चेन्नई में, पूरे तमिलनाडु में, कुछ हद तक केरला में भी एक ट्रेंड नहीं, एक सिस्टम है बच्चों को ग्रेट पीपल के नाम देना। जैसे जैसे मेरे बेटे के क्लास में और हमारे फ्रेंड सर्कल में एरिस्टोटल, प्लेटो, कार्ल मार्क्स, गांधी, अंबेडकर, अंबित राजन उसका वर्जन बनाया जाता है, ये बहुत कॉमन नाम है। तो एक तरफ से हम मान सकते हैं कि
इन मॉर्टल्स का हीरो वर्शिप किया जा रहा है, इसीलिए बच्चों को ये नाम दिया जा रहा है। मगर दूसरे साइड में हम देख सकते हैं कि जो गॉड्स है उनका हीरो उनको मॉर्टल लेवल पे लाया जा रहा है। हम बच्चों को गॉड्स के नाम क्यों देते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो डिवाइन क्वालिटीज हैं वो बच्चों में आ जाए। बच्चों को ग्रेट पीपल के नाम क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि यही फीलिंग है कि जो उनके क्वालिटीज हैं वो बच्चों में आ जाए। तो एक साइड से हम मान सकते हैं कि पॉलिटिशियंस को डिवाइन लेवल पे एलिवेट किया जा सकता है, नहीं तो दूसरे साइड से देख सकते हैं कि सभी को एक साथ ग्राउंड पे लाया जाता है, लाया जा रहा है। और ये भी एक रैशनलिज्म और अनयूजुअल फॉर्म ऑफ रिलीजियोसिटी का भी मैं इसको एक इसका एक रूप देखती हूँ। तो आई थिंक जो एक नैरेटिव था हीरो वर्शिप का और कल्ट पॉलिटिकल कल्ट्स का, जो शायद 20 इयर्स पहले बनाया गया था और ऐसे आर्टिकल्स में एक स्टॉक इमेज हुआ करता था, या तो मिल्क इज बीइंग पोर्ड या एक बहुत बड़ा पोस्टर बनाया है, वो स्टॉक इमेज अभी आउटडेटेड हुआ है और उसको अपडेट करना चाहिए। जैसे आपने तमिलनाडु इलेक्शंस की बात कही, मैं समझती हूँ कि भारत में कम ही ऐसे राज्य हैं जिसमें जो कि ओपोनेंट्स हैं वो उनका उनकी जाति कोई नहीं जानता है। ये एक बात है तमिलनाडु में, केरला में भी कुछ हद तक। दूसरी बात भी होती है कि ओपनली नास्तिक है। ओपनली नास्तिक होना कहाँ हमारे देश में कोई कहता है? जो कास्ट फ्री भी अटेम्प्ट करते हैं या नॉन रिलीजियस, वो भी जाएंगे पूजा करेंगे वो सब करेंगे। ओपनली इंटरव्यूज में नास्तिक कहलाना बहुत ही रेयर है। तो मैं समझती हूँ कि साउथ के पॉलिटिक्स का जो नजरिया है उसको भी थोड़ा उसकी अपडेशन की जरूरत है। शुक्रिया रुक्मणी जी। एक और सवाल बिल्कुल अभी अभी आया है और आप चैट बॉक्स में इसमें क्वेश्चन आंसर में देख भी सकती हैं, और वो सवाल मुझे लगता है कि उसका उत्तर पहले मैं आपसे और फिर संदीप भाई से दूंगा और फिर मैं नेहा के पास जाऊंगा। सवाल ये है कि क्या दक्षिण और उत्तर के नजरियों में जो इतना फर्क है, क्या वो मूल्यों के अंतर की वजह से है, यानी वैल्यूज के डिफरेंस की वजह से है, या फिर उसकी कोई और वजह? आप ये जो क्योंकि स्टार्क डिफरेंस हमें अभी भी देखने को मिल रहा है, तो इस डिफरेंस को चाहे वो मजहब को लेकर हो, चाहे वो भाषा के सवाल को लेकर हो, और जो अभी आपने कहा कि किस तरह से एक रैशनल ट्रेडिशन दक्षिण में देखने को मिलता है उसके नजरिए से हो, तो जो फर्क है उत्तर दक्षिण का उसको आप कैसे देखते हैं? फिर मैं संदीप भाई और नेहा। तो जो मैंने थियोरीज बताए हैं उसको मैं नहीं जानती हूँ कि क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। ये संदीप भैया और जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो बेहतर जान रहे होंगे, मगर मैं और एक थियोरी एडवांस करना चाहूँगी। मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ी थी जो सर्वेइंग रिस्पॉन्सेज को कंपेयर कर रही थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सर्वे रिस्पॉन्स कंपेरिजन बिटवीन द US एंड इंडिया। और यहाँ एक सजेशन दिया जा रहा था कि जो ब्रॉड सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है, जो अभी US में सिविल राइट्स मूवमेंट्स को के काम की वजह से लास्ट 10-15 ईयर्स में बनाई गई है, दैट इट इज़ नो लॉन्गर सोशली एक्सेप्टेबल टू put forward racist views. और ये feeling deeply respondents में भी आ गई है। वो social acceptability अभी तक casteism for example को लेकर नहीं बनी है, वो एक democratic failing है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जो जिन क्षेत्रों में ये social acceptability बनी है, पता नहीं वो अपने घरों में या अपने पड़ोसियों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, मगर शायद एटलीस्ट रिस्पॉन्सेस में ये फर्क देखा जा रहा है। मुझे नहीं पता है कि ये शायद और क्रॉस टैब में पता चलेगा, मगर ये भी एक थियरी हो सकती है। शुक्रिया।
संदीप भाई सवाल आपके लिए है, पहले मैं दक्षिण और ये जो फर्क है उसके सवाल को थोड़ा सा और पेचीदा आपके लिए करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जिस धर्म और धार्मिकता के हम बात कर रहे हैं, अगर हम जो रुक्मणी कह रही है क्रॉस स्टेप्स में जाकर देखें, तो जो धर्म की बात आती है वो केवल सिर्फ धर्म के अंदर ये कहना कि मेरा भगवान में विश्वास है उस तक सीमित नहीं, बल्कि कई और सारी चीजें भी कही जा रही हैं। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि मैं इविल आई यानी मैं बुरी नजर में भी विश्वास रखता हूँ। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि मैं अगर बीमार हूँ, 47% लोगों का ये कहना है कि अगर मैं बीमार हो जाऊं और अगर मैं कोई धार्मिक आयोजन कर लूं, कोई यज्ञ करा लूं, कोई पूजा करा लूं, किसी बाजार पे चला जाऊं तो ठीक हो जाऊंगा। उसमें ये भी कहा जा रहा है और काफी बड़ी संख्या में कहा जा रहा है कि जो भी हो रहा है मेरे भाग्य की वजह से हो रहा है। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि मेरे कर्म का नतीजा है जो नेहा ने शुरू में हमको बताया। तो अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखें तो जो एक इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो विरासत थी, जिसे कि हम प्रोग्रेसिव विरासत मानते थे, और ये मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि आपकी जो किताब है लाल बहादुर शास्त्री पर, उसके संदर्भ में ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि 50 से 70 और 80 के दशक तक जिस राजनीति के अंदर ये सब चीजें, हमारे जो सार्वजनिक विमर्श था उसमें इन चीजों को बुरा माना जाता था, अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। सार्वजनिक विमर्श में हम इन सभी चीजों को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, बाबा कल्चर जो है वो बहुत फैल गया है, और वही काम पॉलिटिकल क्लास भी कर रही है। जो राजनीतिक वर्ग है वो भी बाबाओं के पास जाने में और बिल्कुल बेशर्मी से जाने में उसे कोई हर्ज महसूस नहीं है। तो दक्षिण और उत्तर के बीच कम से कम एक इस बात का तो तारतम्यता दिखती है कि जिस धर्म को हम धर्म कह रहे हैं वो दरअसल अंधविश्वास और धर्म के बीच की सीमा से बाहर जा चुका है, वो ज्यादा अंधविश्वास है और कम धर्म है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना? दो तीन बात कहूंगा हिलाल भाई। पहली बात तो मैं रुक्मिणी जी ने जो कहा उसको पूरी तरह से मानता हूं। उन्होंने कहा कि बड़ा उत्तर हमसे मिलेगा, बट बड़ा उत्तर तो उनसे मिला, डीपर उत्तर तो उन्हीं से मिला हमें। उसको थोड़ा, उस बात को थोड़ा एक्सपेंड करूंगा और फिर हिलाल जी की बात पे आ जाऊंगा। मुझे लगता है कि ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत का जो फर्क के बारे में बात की जा रही है और हमारा प्यू रिपोर्ट भी दिखा रहा है, मैं यहां तीन चीजों को कहना चाहूंगा। एक, शिक्षा स्तर का असर तो जरूर आप देखेंगे इसमें, लेवल ऑफ एजुकेशन जो है उसका फर्क आप देखेंगे। इससे पहले और एक बात कहूंगा मैं, ये पूरा एक कैटेगरी करना कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत, मुझे लगता है गलत होगा। दक्षिण भारत में भी काफी पॉकेट्स हैं और उत्तर भारत में भी काफी पॉकेट्स हैं। उत्तर भारत में थोड़े पॉकेट्स हैं जो दक्षिण भारत के ज्यादा पॉकेट्स जैसे दिखते हैं, और दक्षिण भारत के थोड़े पॉकेट्स हैं जो उत्तर भारत के पॉकेट्स के जैसे दिखते हैं। सो एक स्वीपिंग जनरलाइजेशन करना वो मैं मानता हूं कि ठीक नहीं रहेगा। बट ब्रॉडली अगर कहें, दक्षिण भारत में शिक्षा का स्तर का एक प्रभाव आप देख सकेंगे। दूसरी बात, ये सामाजिक विकास के संकेत और ये सामाजिक जागरूकता का एक स्तर जो दक्षिण भारत में काफी जगहों में आप देखेंगे, इन तीनों चीजों का मुझे लगता है प्रभाव, जिस तरह की सोशल रिलेशनशिप्स एंड सोशल इंपैक्ट आप साउथ में देखते हैं, मुझे लगता है इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन आप देखेंगे। और उत्तर भारत में भी, जहां आप उत्तर भारत के अंदर फर्क देखेंगे, इस उत्तर भारत के अंदर फर्क के भी कारण यही तीन है मुझे लगता है। अभी आपकी दूसरी बात पे मैं आऊं, मुझे लगता है कोई अंतर विरोध इस बात पे दक्षिण में नहीं है। जो बात रुक्मिणी जी ने कहा, रिलीजियोसिटी एक तरह से आप दक्षिण में देखें कहीं और देखें, हमारे सब सर्वेज, पिछले 15 साल के सर्वेज ये बात कह रहे हैं कि
the level of religiosity ज्यादा होती जा रही है. The expression, the public expression of religiosity वो ज्यादा हो रही है. उस हमारे सर्वेज में देखें तो हाउ ऑफन डू यू विजिट टेम्पल मॉस चर्च और जो भी प्रश्न से हम पूछते आ रहे हैं, हाउ ऑफन डू यू प्रे, उस पर अनडाउटेडली नंबर्स ज्यादा आ रहे हैं. आई वुड बिलीव टू अ सर्टन एक्सटेंट ये हमें फर्क करना पड़ेगा बिटवीन धार्मिक प्रैक्टिसेस ऑन द वन हैंड और व्हाट वी कुड कॉल कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑन द अदर हैंड. ये जो हम धर्म मान रहे हैं काफी संदर्भ में वो आप इतिहास में जाएं तो वो धार्मिक प्रैक्टिसेस नहीं बताएंगे उनको, आप उनको सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस बताएंगे. जो हमारे प्यू रिपोर्ट में भी दिखता है दैट हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, आप थोड़े प्रैक्टिसेस जो भी धर्म हो सब फॉलो करते हैं. मुझे ये दक्षिण भारत में ऑफन सुनने को मिला है. दक्षिण भारत में राहु काल का बात बहुत चर्चा होती है, राहु काल में कोई अच्छा काम शुरू ना करें, और ये मैंने सभी धर्मों के लोगों से सुना है. मैंने सभी धर्मों के लोगों को ये बात पूछते हुए सुना है कि आज राहु काल कितने समय है. धार्मिक प्रथा कहेंगे कि एक सांस्कृतिक प्रथा कहेंगे. सो आई थिंक ये इंटरमेशिंग ऑफ व्हाट वी कुड कॉल रिलीजियस एंड कल्चरल हैज हैपेंड. एंड आप किसी एक प्रैक्टिस को एक्सक्लूसिवली रिलीजियस या एक्सक्लूसिवली कल्चरल कहना थोड़ा यहाँ पे मुश्किल होगा. शुक्रिया संदीप भाई, ये जो फर्क आप बता रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है. अब हमारे पास में बहुत कम समय है तो मैं बहुत क्विकली बहुत तेजी के साथ फाइनल कॉमेंट्स आप सबके दूंगा और एक छोटा छोटा सवाल आप सबके लिए. नेहा आपसे शुरू करूंगा मैं. वो ये कि आप और जगहों पर भी सर्वेक्षण करती रही हैं और देशों में भी आपने सर्वेक्षण किए हैं, और ये वाला सर्वेक्षण जो भारत विशेष है, इस सर्वेक्षण और आपके द्वारा किए गए अन्य सर्वेक्षणों में आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है? हमने एक पहले एक सर्वेक्षण किया था इज़राइल में, वो भी हमारा एक सिंगल कंट्री सर्वे था. जनरली हम मल्टी कंट्री सर्वेस करते हैं यूएस से बाहर. तो इसराइल में हमें पता चला कि जो सोशल डिवीजन है सोसाइटी में वो बहुत बड़े डिविजन्स हैं, और लोग सेग्रीगेटेड लाइव्स लिव करते हैं, जो कि इंडिया में भी सही है, इंडिया में भी ट्रू है, लेकिन लोगों के एटीट्यूड्स बिल्कुल मिरर इमेजेस हैं. और इस तरह के मतलब 90% एक ग्रुप के लोग ये कहते हैं और दूसरे ग्रुप के लोग 90% दूसरी ओपिनियन बताते हैं, और ये एटीट्यूड यहूदीज में ही है. यहूदीज के फर्क फर्क ग्रुप एक दूसरे से बिल्कुल डिसएग्री करते हैं. तो हमें उस समय ये चीज ने काफी चौंकाया कि एक छोटी सी कंट्री, एक छोटा सा रिलीजियस ग्रुप, और कितने बड़े बड़े सामाजिक डिविजन्स हैं इसराइल में. तो जब हमने इंडिया में हमारे रिजल्ट्स वापस आए तो हमने एक्चुअली देखा कि लोग एक दूसरे को बहुत अलग, एक दूसरे से बहुत अलग समझते हैं. संदीप सर ने इसके बारे में काफी डिटेल में चर्चा की, लेकिन जब हम लोगों के एटीट्यूड्स देखते हैं कई चीजों पे, तो उसमें कितनी सामान्यताएं पता चलती हैं. हालांकि मतलब गंगा नदी के बारे में जो कि एक हिंदू बिलीफ है, ये तो मतलब मेरी टीम में तो सब लोग थोड़ा चौंक गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्रिश्चियंस भी यही कह रहे हैं. बट सिर्फ रिलीजियस बातों पे नहीं, और भी बातें आप देखिए, पॉलिटिकल वगैरह, तो लोगों के ओपिनियंस इतने फर्क नहीं है एक दूसरे से, हिंदू मुस्लिम सिख्स वगैरह की, काफी चीजों में लोगों का ब्रॉड एग्रीमेंट है. और ये इसलिए भी है क्योंकि इंडिया में अभी तक हम लोग धर्मनिष्ठ हैं. हम बहुत ही छोटा सेगमेंट है इंडियन सोसाइटी का जो गॉड में बिलीव नहीं करता, जो अपने आप को कोई रिलीजन के तौर पे नहीं मानता है. ये क्योंकि सेक्युलराइजेशन के इंडिकेशंस इतने कम है इंडिया में, लोग सभी लोग धार्मिक हैं, काफी कई लोग धार्मिक हैं, इसलिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसराइल में ऐसा नहीं है, इसराइल में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है सोसाइटी का जो कोई धर्म को नहीं मानता, जो अपने आप को यहूदी बताएंगे कल्चरल तौर पे, बट गॉड में बिलीव नहीं करेंगे और कभी भी रिलीजन प्रैक्टिस नहीं करेंगे और रिलीजन को पसंद भी नहीं करते. और उन लोगों के जो बिलीव्स हैं और जो बहुत धार्मिक यहूदी लोग हैं, उनके बिलीव्स में जमीन आसमान का फर्क है. इंडिया में अभी तक ये सेक्युलर सेगमेंट बहुत ही छोटा है.
कि सभी लोग धर्मनिष्ठ हैं। इस परहैप्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि हमें पता चलता है कि लोग कई चीजों में कितना एक दूसरे से एक्चुअली अग्री करते हैं और साथ ही साथ बोलते हैं कि नहीं हम बहुत अलग हैं बाकी लोगों से। शायद आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझ किया है, थैंक यू वेरी मच। रुक्मणी जी, अब आपसे जो मैं अंतिम सवाल पूछना चाहता हूँ वो हमारे टेक्स्ट बुक पे भी आया है, शायद आपने देखा हो। वो सवाल बुनियादी तौर पे दो चीजों से जुड़ा हुआ है। पहला तो ये कि जो सवाल मैंने अभी संदीप भाई से भी पूछा था कि आपको जब आप ये सारे आंकड़े देखकर एक जगह रखती हैं और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ओवरव्यू आप बताइए तो आपको क्या लगता है, क्योंकि एक ओवरव्यू तो अभी जैसे नेहा ने कहा सिमिलैरिटीज का निकल कर है, काफी समानताएं ज्यादा है विभिन्नताएं कम है वगैरह, लेकिन दूसरी तरफ आप जो कि आप उनको बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, अगर आपके सामने ये सब चीजें एक साथ रखी गई और आपसे कहा जाए कि आप इसको क्या नाम देंगे तो वो क्या? थैंक यू हिलाल जी। मुझे पता नहीं मैंने ये बात रिपोर्ट में मिस किया हो या नहीं, मगर जो ये समानताओं की बात है, जहाँ तक मैंने देखा है प्रश्न सारे हिंदू धर्म के बारे में लार्जली पूछे गए थे, जैसे कि गंगा में विश्वास, कर्म, इन चीज़ों में विश्वास। तो क्या ये एक मेजोरिटेरियन कल्चर दर्शाती हैं या क्रॉस रिलीजियस बिलीफ्स दर्शाती हैं? ये जो डेटा मैंने देखा है उससे तो मैं बियॉन्ड मेजोरिटेरियनिज्म मैं नहीं कह पाऊंगी। तो जो उसी वजह से जो उसको मैं ना तो टॉलरेंस ना वैसी कोई चीज मान सकूंगी। तो मैं ब्रॉडली कहूंगी कि सेपरेट एंड डिफरेंट, जो सेपरेट बट इक्वल कहते हैं वो तो आई एम नॉट श्योर कि वो मुझे इस डेटा से दिखाई देता है। सेपरेट एंड डिफरेंट वो एक ब्रॉड ओवरव्यू इस डेटा से मुझे तो दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूसरी ओपिनियन, यानी एक तरफ हम समानताएं हैं, उसी तरफ वो ये कहा जा रहा है कि ब्रॉडली डिफरेंसेस भी हैं, तो डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज। संदीप भाई, आखिरी सवाल आपके लिए। हमारे मित्र हैं नरेश, उन्होंने टेक्स्ट बुक में एक सवाल पूछा है और वो ये है कि हम लगातार ये देख रहे हैं कि उत्तर भारत में जो हिंदू बहुसंख्यकवाद है वो स्थापित होता था दिखता है। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे ये कहूँ कि ये सारे आंकड़े इकट्ठे करके एक जगह रखे जाए तो क्या हम इसको बहुसंख्यकवाद की ओर इशारे के तौर पर देखेंगे या दो जो अलग अलग समझ, एक समझ जो नेहा कह रही है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो समानताएं ज्यादा दिख रही हैं, विरोधाभास कम दिख रहे हैं, दूसरी ओर रुक्मणी कह रही है कि इसको बहुत जल्दी होगा ये कंक्लूड करना, आप क्या कहेंगे? थैंक यू हिलाल जी। मुझे लगता है ये ब्लैक एंड व्हाइट का प्रश्न नहीं है, बिकॉज रियलिटी इज मल्टीपल शेड्स ऑफ ग्रे, और ये इस तरफ का प्रश्न या उस तरफ का प्रश्न नहीं है। हाँ, मैं रुक्मिणी जी का बात यह मानूंगा कि काफी संकेत जो आ रहे हैं इस रिपोर्ट में वो इस बात को दर्शाते हैं कि जो देश में मेजॉरिटी रिलीजन फॉलोअर्स हैं, मेजॉरिटी रिलीजन है, उसको एक तरह से ये सर्वे के फाइंडिंग्स दिखा रहे हैं कि इट सीम्स टू बी द एक्सेप्टेड वे ऑफ थिंकिंग, द मेजॉरिटेरियन अप्रोच, व्हाट इज इट, जो गंगा की बात कही गई या और कोई बात कही गई। नाउ इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द फैक्ट दैट ऑल रिलीजन फॉलोअर्स, सभी को जब ये बात, ये प्रश्न का उत्तर देते हैं, दे आर रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग विच इज सीन एज बीइंग इंडियन बिकॉज ऑफ दिस मेजॉरिटेरियन पर्सपेक्टिव। इसी कारण को मैंने जब पहले बता, जब डिस्कशन की शुरू हुई हिलाल भाई, मैंने ये बात कही, आप देखिए नॉन हिंदूज कितने लोग हिंदू प्रैक्टिसेस के बारे में जानते हैं और हिंदूज कितने नॉन हिंदूज के प्रैक्टिसेस जानते हैं, आप वहां फर्क देखिए, वहीं से आपको पता चल जाएगा। द हाई परसेंटेज ऑफ नॉन हिंदूज हु नो हिंदू प्रैक्टिसेस एंड द लो परसेंटेज ऑफ हिंदूज हु आर अवेयर ऑफ नॉन हिंदू प्रैक्टिसेस। ना यही एक जो रुक्मिणी जी ने कहा, द
the majoritarian approach, वो यहीं से आपको दिखता है. नेहा जी का बात भी एक तरह से सच है, where you look at the, आप बड़ा चित्र को देखें, जिस तरह से लोग हमारे जनरल क्वेश्चंस पे उत्तर दें, वो लार्जर यूनिटी, वो लार्जर पिक्चर, वो लार्जर कॉर्डियलिटी दिखती है. बट मैं कहूंगा डेविल इज इन द डिटेल. यू सी, आप ब्रॉडर पिक्चर देखें, यस, आपको काफी अच्छी खबर मिलेगी, बट सच तो वो गहराई में है. और जब आप वो गहराई में जाएंगे तो काफी सवाल उठेंगे, और उन सवालों के जवाब के लिए प्यू को तो और एक सर्वे करना पड़ेगा, मोर डिटेल सर्वे करना पड़ेगा. बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई, नेहा, रुक्मणी. इस बातचीत को खत्म करने से पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ. मेरा एक एडवांटेज है सीएसडीएस में रहने का, वो ये है कि हमारा केवल लोकनीति कार्यक्रम नहीं है जो कि डीप सर्वे रिसर्च में या डीप स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी करता है. हमारा एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका नाम है सराय, जो कि मीडिया और फिल्मों से संबंधित कार्यक्रम है, और वो भी लोकतंत्र को अलग नजरिए से देखता है. तो अगर मैं जब ये रिपोर्ट पहली बार मुझको मिली और मैं पढ़ रहा था, और क्योंकि सराय का असर मेरे ऊपर काफी है, तो मेरे कानों में गाना गूंज रहा था. एक बहुत मशहूर फिल्म है टिब्बी दिल है हिंदुस्तानी, और वो गाना कुछ इस किस्म का है, जावेद अख्तर साहब ने लिखा है, बहुत अच्छा गाना है. हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी. तो ये प्यू रिसर्च का जो डेटा है वो उतना ही हैरान करने वाला है. तो ये मुझे लगता है कि प्रोज से निकल कर पोइट्री में चला गया है. तो इसका हमने अभी जो गद्य तो देख लिया, अब इसका काव्य निकलना बाकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसी काव्यता से भारतीय राजनीति का भविष्य है. मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और अभी सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे, और सभी देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद.